हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन होगी शांति ओर होगी शांति ओर होगी शांति चारों ओर एक दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन है मम्मी को विश्वास है पापा को विश्वास हम बनेंगे डॉक्टर अब तो एक दिन ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम बनेंगे डॉक्टर हम होंगे सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों और बेटा केवल बेटा तेरह दिन का टाइम और तेरह दिन का एक संस्कार भी होता है हम लोगों के यहां मतलब नीट का क्रियाकर्म करना है तेरह दिन में और विल पावर को बच्चों बहुत स्ट्रांग रखना है और मैंने ये डिसाइड किया है बच्चों कि एक से दस तारीख तक आपका ज्यादा टाइम ना लेके रोज दो घंटे क्लास ले लें हम दो घंटे रोज रिवीजन कराएं आपको टू आवर्स मोर बताइए कैसा रहेगा केवल दो घंटे आठ से दस बस एट टू टेन हाँ बेटा जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और भगवान से प्रे करेंगे कि अगली जन्माष्टमी आप लोग डॉक्टर बनके सेलिब्रेट करें आ रही है ना काजल और बेटा नीट का पेपर कैसा होगा हमने वीडियो डाल दिया उसको देख लेना ठीक है आप लोगों की आपस में हाय हेलो भी हो गई सानू अतुल निकिता यश भी चलिए और बेटा अगर हम लोग पेज और क्वेश्चन से अगर कंपेयर करेंगे बच्चों तो बायोटेक एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिससे आपको पेज के हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चन आने जा रहे हैं इस बार तो आज हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे बायोटेक पर और एनसीआरटी वन पे और एक तारीख के लेक्चर में हमारा फोकस होगा इकोलॉजी और एन टी वन टू तो जिन बच्चों को भी इकोलॉजी में यस मोहम्मद टेक माय नेम मोहम्मद यासिर वेलकम बेटा यस बेटा साहिल सिद्दीकी बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल ये सब एनसीआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन ही है यस yes, सर अभी प्रकाश फिजिक्स करा देंगे बेटा कल मिश्रा सर की क्लास है यस टॉम जेरी तुम तो सबसे पहले आ जाते हो भाई तुम तो दिल में बसे हो बच्चे चलो तो स्टार्ट कर देते हैं टॉम जेरी तुम्हारे नाम से आज की क्लास आ, ये बेटा क्या इसको दिखाना है स्क्रीन शॉट ले लीजिए देखिए तेरह सवाल आए फोर्टी थ्री क्वेश्चन और ये बायोटेक में पेज नंबर देखिये जरा एक केवल पेज ऐसा बेटा ओनली वन पेज वन नाइन्टी थ्री जिससे सवाल नहीं आए बाकी से बेटा भर भर के सवाल आए देख लीजिए ठीक और यहां से देखिए क्या बात है देखिए जरा 2020 2020 2020 और 2020 राइट right? इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत ही हार्ट स्पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट right? और 195 198 पेज 18.6 37.2 परसेंट क्वेश्चन अब जरा देखिए एप्लीकेशन देख लेते हैं बेटा टोटल पेज नौ है और क्वेश्चन पूछे गए 21 नौ पेज से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और देखिए ये नीचे के पिरामिड से बेटा 2020 में सवाल आ गया आपका तो आपको 2021 में भी यहीं से मिल जाएगा 100% परसेंट और ये 209 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों पेज से आपको एक-एक सवाल जरूर मिलेंगे 213 208 211 और 12 तारीख को जब पेपर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको दिखा देंगे। अब ये देखिए पेज नंबर 200 से 28% 209 से 19% तो आपको बेटा पेज का आइडिया हो गया कि क्या हमें अच्छे से करना है। स्लाइड लगा दे रहा है ये चल क्यों नहीं रहा है? इसमें नहीं चल रहा है। तो लैपटॉप पे क्यों नहीं चल रहा भाई अगली यूनिट में मेजरली बेटा हम लोग लेंगे जेनेटिक्स और इकोलॉजी और एक से दस तक बेटा यस डाटो सरकार सर आपको देखकर सिलेक्शन होने की उम्मीद अरे बेटा सिलेक्शन तो होना ही है यस हां काजल ठीक है अगले में हमारा फोकस होगा जेनेटिक्स और इकोलॉजी एक तारीख को एक तारीख को जेनेटिक्स इकोलॉजी चलो बच्चों बिना देर किए हुए टाइम कम है दो घंटे से ज्यादा क्लास नहीं लेंगे साढ़े दस तक हर हाल में छोड़ देंगे तो पहला सवाल है बेटा 2019 का मेरे बच्चों जरा फटाफट कर दो डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ आफ, मिक्सचर ऑफ ए बायो बायोलिक्यूल कैन बी अचीव बाय द ट्रीटमेंट विद फटाफट बता दो जल्दी से <coughs> क्या बात है गजब बहादुर बच्चों साबास बेटा साबा चील देखिए सब आपको याद है आपको जरा भी कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है राइट right? अगला सवाल है बच्चा देखो जल्दी से जल्दी से दो हजार उन्नीस का है इज इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम क्या होगा बच्चा लोग बता दो यस yes, बच्चा यस yes, भाई पीडीएफ में फिल कर दे प्लीज चलो भाई पीडीएफ में फिल कर देंगे अंजलि गुप्ता पीडीएफ में फिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बेटा आपके लिए होमवर्क है आप अपने आप करो आप अपने आप करो PDF, true answer वाला डाल देना, बेटा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ट्रू आंसर वाला yes, बहुत अच्छा है, तो तो पर बच्चा हो हो गया तो सही बात क्या गई रिक्वायर फॉर ग्रोइंग लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम और बेटा हम नहीं करा रहे कि आप सब टेस्ट दे रहे हैं है ना The order of और बेटा पीसीआर के बिना पेपर नहीं बनेगा दो का सवाल भी है आर टी जरूर पूछा जाएगा पेपर में ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका आउट है यस yes. और इन बेटा तीनों का टेम्परेचर बेटा याद रखना तीनों का टेम्परेचर याद होना चाहिए बिल्कुल सही बात है चलिए आज का बेटा चौथा सवाल है बायोटेक का आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगोरूजिल स्टेनिंग किससे स्टेन दो बेटा 2017 का सवाल है और आज के इस क्लास से देख लेना तुम्हें पूरा बायोटेक मिल जाता है कि नहीं क्या बात है देखिए सब रटा है ना यही तो कॉन्फिडेंस आपको लाना है कि आपको सब याद है कोई दिक्कत की बात नहीं रोमाइड वेरी गुड बेटा वेल डूइंग वेरी वेल डूइंग मेरे प्यारे बच्चों चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव डीएनए फ्रेगमेंट आर चार्ज 2017 का सवाल है बताइए क्या करेंगे कैसा चार्ज होता है निगेटिवली अब जरा बताइए निगेटिव चार्ज होता किसकी वजह से किसकी वजह से निगेटिव चार्ज होता है यस yes, बच्चों, किसकी वजह से निगेटिव चार्ज होता है जल्दी बताओ यस yes, फास्ट आ गया जवाब बहुत अच्छा ग्रेट बेटा ग्रेट साबास बेटा साबास बिल्कुल नीट फोड़ के आने वाले हो तुम लोग चलो बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स आ जाते हैं ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफार्म सेल इज नोन एज 2017 का सवाल है क्या होना चाहिए भाई यस 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 लेक्ट select, अच्छा है। सेलेक्टेबिल है। सवाल है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रूटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड एज दो हजार सत्रह का सवाल है मार्केटिंग से पहले क्या करते हैं जल्दी बता दीजिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ग्रेट और ये आपकी भी हो रही है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग आपकी भी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो रही है बच्चों हो रही कि नहीं बताओ जल्दी आप सब बच्चों की भी हो रही है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत अच्छा ग्रेट 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 सारे बच्चे लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं चलिए क्वेश्चन नंबर एट एट स्टीयर टैंक बायो रिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर द थ्रू आउट द प्रोसेस 2016 का सवाल है आज जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग 2001 से भी कर लेंगे गुड नाइट नहीं गुड इवनिंग गुड नाइट करते हैं जब क्लास छोड़ते हैं भाई यस yes, क्या बात है गजब 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 इतना हम कह सकते हैं बायो का पेपर आप लोग पंद्रह मिनट में करके आ जाओगे पंद्रह मिनट से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा और बेटा इसका फायदा आप उठा लेना फिजिक्स केमिस्ट्री के में ग्रेट बच्चों ग्रेट ग्रेट गुड गुड इवनिंग इवनिंग बेटा चलिए अगला सवाल बच्चा लोग मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने पैसे खिजमत है सेम एंडो बी फार्म क्या यूज के जोड़ने के लिए तो चाकू तो हो गया रेस्ट्रिक्शन डो न्यूक्लियस जोड़ोगे किससे जल्दी बताओ और किसी चक्कर में मत पढ़ना पेपर ऐसे ही सिंपल आने जा रहा है गजब 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 फोड़ दिया नीट फूड़ गया फूट गया नीट नीट का तेरहवा संस्कार हो गया बहुत अच्छा लाइगेज साबास बेटा चलिए दो हजार सोलह के बाद बेटा अगला सवाल है दो हजार सोलह का रेस्ट्रिक्शन इंजन प्रोड्यूस ब्लंट एंड इज किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ब्लंट एंड मिलेगा ब्लंट एंड, यस इको आर फाइव इको आर फाइव साबास बेटा साबास साबास साबासको आर फाइव इको आर फाइव और बेटा बताइए जरा हिंद हिंद थ्री से क्या मिलेगा

बहुत अच्छा आगे देखिए बेटा आपके पास फिर 2016 का सवाल आ गया देख रहे ना कितने कितने सवाल आ रहे हैं बायोटेक से दैक पालीज एंजाइम ऑप्टेन फ्रॉम फटाफट बता दीजिए सबको रटा है टैक इज मेरे फ्रॉम बच्चा क्या बात है देखिए उड़ा दिया आप लोगों ने उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया, दिया गजब 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 थर्मस सिक्योरिटी ऐसे ही बेटा बारह तारीख का पेपर उड़ाएंगे आप चलिए आज का बेटा अगला सवाल आपके सामने है द डीएनए द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज दो हजार पंद्रह टाइम बेटा कम है अब घर से मत निकलना यूट्यूब पे क्लास करते रहो गजब 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 विक्टर साबास बेटा साबास 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 चलिए अगला बेटा सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर थर्टीन द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम 2015 डीएनए को काटने के लिए डीएनए को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप जानते हैं बेटा बैक्टीरिया में ये इम्यूनिटी के लिए होता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा इंटरफेरान की तरह हम लोग बॉडी में एंटीबॉडी की तरह <coughs> जरा बता दीजिए जनरल इम्यूनिटी का दूसरा नाम व्हाट इज अदर नेम ऑफ जनरल इम्यूनिटी जनरल इम्यूनिटी किससे होती है जनरल इम्यूनिटी बच्चों किससे होती है जनरल इम्यूनिटी इन एंटीमि्युनिटी और एंटीबॉडी से होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी बहुत अच्छा बहुत अच्छा एकदम तैयारी है बेटा इस क्लास का मतलब दो घंटे है आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करना और आपको यह बता देना कि आपको सब याद है आपको जरा भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है राइट कोई भी नई चीज ट्राई करने की जरूरत नहीं 15 मिनट में बायो का पेपर उड़ा के आओगे तुम लोग 12 तारीख को देख लेना चलिए क्वेश्चन नंबर 14 वेक्टर कैन फ्लो ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए 2014 का सवाल बता दीजिए यस प्लास्मिट और याद रखिएगा बेटा प्लास्मिट मेन डीएनए का ही पार्ट होता है छोटा सा और जरा बताइए प्लासमिट में जब छोटा सा प्लास्मिट जब मेन डीएनए से जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं प्लास्मिड जब मेन डीएनए से जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों प्लास्मिड mm. जब जुड़ता है मेन डीएनए से एपिसोम वेरी गुड तो हर एपिसोम तो प्लास्मिड है लेकिन हर प्लास्मिड नहीं है गजब ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा पंद्रह और 2014 का बेटा सवाल है कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कौन सा कॉमनली यूज वेक्टर है बेटा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए यस बी ए सी एंड वाई सी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो मेरे बच्चे तबीयत खुश कर दी आप सबने साबास बेटा चलिए आज का अगला सवाल है बेटा 2013 का 2013 डीएनए फ्रेगमेंट जनरली बाई रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक् केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय कैसे सेपरेट करोगे क्या बात है छा गए बेटा तुम तो यस yes, डॉक्टर देव बहुत अच्छा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बस ये बेटा टाइम है तेरह दिन का अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने का और कुछ नहीं कोई भी नई चीज ट्राई नहीं करनी है बच्चा ठीक है ना चलिए भाजी भाई अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं फटाफट ये भी दो का सवाल है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथेनॉल एडेड टू प्रेसिपिटेड किस चीज के प्रेसिपिटेशन के लिए करते हैं डीएनए हाँ जरा भी नर्वस नहीं होना जरा भी निराश नहीं है होना है सब आपको याद है एकदम बी पॉजिटिव बच्चों बी पॉजिटिव चलो अगला बेटा सवाल हमारे पास फिर आ गया ये सवाल है बेटा 2012 का देख लीजिए पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट आर द मेथड ऑफ और ये देखिए ये पीसीआर का नाम जरूर मिलेगा पीसीआर एंटी पीसीआर बिल्कुल मिलेगा पेपर में इसके बिना पेपर नहीं बनने जा रहा है गुड इवनिंग शुभम बेटा गुड इवनिंग स्तुति गुड इवनिंग क्या करेंगे बच्चों डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग साबास बेटा साबास 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 ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट बहुत अच्छा ठीक है आगे आ जाइए ए सिंगल स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज दो दोनों में सवाल आता है कौन कहता है क्वेश्चन होता क्या बात है छा गए आप लोग छा गए भाई रिजल्ट में भी छा जाएंगे और मैंने बताया पहली बार न्यूलाइट के टेस्ट में 600 से ज्यादा बच्चों के 600 के ऊपर नंबर आ रहे हैं इसका मतलब नहीं जिनके 400 500 आ रहे हैं वो सेलेक्ट नहीं होने जा रहे हैं बिल्कुल बस सोचिएगा ऐसा जो बच्चे न्यूडाइट का टेस्ट दे रहे हैं बेटा उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि कल का टेस्ट तीन बजे है एक बात और दूसरी बात है बेटा केमिस्ट्री में कुछ करेक्शन है आप करेक्शन सीट अच्छे से देख लेना ठीक है गजब 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 प्रो क्या बात है आगे आते हैं बच्चों अगला सवाल देख लो बच्चा लोग द ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद बी जीन गन आर मेडअप दो हजार बारह अब बेटा जिन बच्चों ने इसमें गूगल फॉर्म डाल दिया ना बेटा गूगल फॉर्म भर लेना कल जूम मीटिंग करेंगे बच्चों से आप सब से कुछ चीजें बतानी हैं यस वेरी गुड वेरी गुड गोल्ड एंड टंगस्टन साबास बेटा गोल्ड एंड टंगस्टन गोल्ड एंड टंगस्टन गोल्ड एंड टंगस्टन बहुत अच्छा उड़ा दिया आप लोगों ने सवाल आज का बच्चा लोग ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा 2012 का अगला सवाल है बोलिस्टिक जनगन इज सुटेबल जीन गन इज सुटेबल फॉर मैनिफेस्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट के लिए यूज करते हैं साबस तो एनिमल के लिए क्या यूज करते हैं आपको पता है प्लांट के लिए आप क्या यूज करते हैं आपको पता है गूगल बेटा भर देना सब लोग कल मीटिंग करनी आप लोगों से जूम पे मीटिंग कितने बजे होगी कल कितने बजे मीटिंग कर ली जाए मनीष सर आ, कल बेटा हम लोग कर लेते हैं चार बजे शाम को कर लेते हैं चार बजे अभी बोल दो हुँ. अंकिता मैम को आज गूगल फॉर्म भर लीजिए कल चार बजे चलिए बेटा 2012 का अगला सवाल आ गया 22 जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक आर यूज है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक कैसे यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं भाई क्या बात है भाई कल्पना कृषि छा गए भाई तुम तो हम यस 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 सेलेक्टेबल मार्कर की तरह चलिए बच्चा लोग देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडो कॉल्ड इको आर वन द को पार्ट स्टैंडार फॉर 2011. को किसके लिए यूज करते हैं को कल चार बजे को यस कोलाई 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 वेरी गुड कोलाई कोलाई गजब 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 चलिए 24 सवाल 2011. हजार ग्यारह ए गरूज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सीवीड इज यूज इन कहा यूज करते हैं सीवीड को क्या बात है भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस गजब 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 छा गए बच्चे छा गए छा गए छा गए छा गए चलिए 2011 के बाद बेटा अगला सवाल आ गया इज यूज एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग एजेंट इन हायर आर्गेनिज्म 2010 चलिए भैया मेरा फोन आ गया और क्या ना इंसाफी भाई बच्चे 514 लाइक 300 टीचर का जोश ऐसे ही बढ़ाओगे तुम लोग टीचर का जोश ऐसे ही बढ़ेगा पांच अच्छा कल चार बजे टेस्ट है तो शाम को आठ बजे कर लेंगे बेटा शाम को आठ बजे चार बजे टेस्ट है तो शाम को आठ बजे बोल दो शाम को आठ बजे कर लेंगे जल्दी सब लोग लाइक करो पहले कितने नालायक हो तुम लोग बताओ अक्षत विश्वकर्मा कोई जरूरत नहीं बेटा जितने क्वेश्चन करा रहे हैं कर लो पांच 416 इक्कीस चार सौ सोलह गलत बात चलो हाँ ज्ञानदीप देखो यार चौरसिया क्या करते हैं ये लोग समझाओ जरा येक्ट्रो वायरस चलिए अगला सवाल बेटा फिर 2010 का है इज यूज इन जीन क्लोनिंग पेन का। जीन क्लोनिंग के लिए क्या यूज करते हैं ठीक है भाई अभी से करवा देंगे जीन क्लोनिंग के लिए क्या यूज करते हैं बेटा जीन क्लोनिंग के लिए यस yes, बच्चा लोग साबास बेटा प्लास्मिड यूज करते हैं साबास गजब 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 चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन दो हजार नौ का आ गया दो हजार नौ इज कॉमनली यूज इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द क्राफ्ट प्लांट फॉर एन डी एन ए इंट्रू द्राप प्लांट एन वन का डाटा टेलीग्राम में डलवा देना भाई मनीष सर बेटा पढ़ गया टेलीग्राम चैनल पे एग्रोबैक्टीरियम। जरा बताइए एग्रोबैक्टीरियम ज्यादातर डाई कार्ड के लिए कि मोनोकार्ट के लिए ज्यादातर डाई कार्टर मोनोकार्ड एग्रोबैक्टीरियम ज्यादातर ज्यादा था डाई कार्ड और बोनोकार्ट बच्चा <coughs> यस डाई कार्ड बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलिए देखिए 2008, यही सवाल देखिए नीचे से रिपीट होने जा रहा है पीछे आप कर चुके हैं द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन प्लास्मिड वेक्टर बीकेम पॉसिबल विद 28 कैसे पॉसिबल हुआ अरे भाई डीएनए को जोड़ना है ये लिंकिंग कैसे पॉसिबिल हुई यस साहब लाइगेज बिल्कुल सही बेटा लाइगेज बहुत सारे बच्चों का जवाब आ गया लाइगेज जीते रहो बच्चों साबास बेटा चलिए आगे आ जाइए 2006 का सवाल है कट डीएनए मालिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट क्या चीज काटता है तो प्लास्मिड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज आर टी पी सी आर इसके बिना पेपर नहीं बनेगा यस और जरा बताइए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे सेगमेंट को काटता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे सेगमेंट को काटता है किस तरह के सेगमेंट को काटता है किस को काटता बेटा किस तरह के डीएनए को काटता है यस पैलिन रोबिन डीएनए बहुत अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर तीस इतना आसान होता नीट का पेपर पता नहीं क्यों परेशान हो तुम लोग बच्चों 2004 रेस्ट्रिक्शन चार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेंड बाय बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ देयर एज पार्ट ऑफ देयर यस डिफेंस सिस्टम ठीक है और ये बेटा सवाल था आपका 2006 का थर्टी वन थर्टी वन इन ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय 2004 का सवाल है कौन सी जीन डिटरमाइन करती है एक तारीख से दस तारीख तक बेटा रोज क्लास होगी आठ बजे से लेकर साढ़े दस तक ज्यादा नहीं केवल ढाई घंटे दिल दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों को पता नहीं फोन आ रहा है इस टाइम पे भी क्लास हो रही है हां बिल्कुल साइको गामिंग कविता सरोज सन्मय पटेल पूजा प्रजापति ठीक है बेटा ये होगा बेटा रिपोर्टर जीन <laughs> रिपोर्टर जीन होगा बेटा इस यहां पे देखो लिख देते हैं रिपोर्टर ये होगा बच्चा लोग रिपोर्टर ठीक है चलिए आगे थर्टी टू हैज फाउंड एक्सटेंसिव यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क इन प्लांट दो हजार तीन का सवाल है दो हजार तीन का सवाल है बच्चा लोग थर्टी टू 2003 सवाल आ चुका है हमने आपको इसीलिए कराया देखिए 2020 के भी आई हुई सवाल इसी से मिल जाएंगे एग्रोबैक्ट्रियम बहुत अच्छा बच्चा लोग साबास बेटा चलिए आगे आता बेटा 33 क्वेश्चन ठीक और 2002 का सवाल है देख लीजिए मैन्युपुलेशन ऑफ डीएनए इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ किसकी डिस्कवरी के बाद ये पासबिल हुआ बच्चा यस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर किसी चीज को काटी नहीं पाते तो जोड़ते कहां से भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक है सारे बच्चे लोग लाइक कर लो फटाफट -फड़ चैनल को <laughs> जो नए बच्चे हैं नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस इन प्लास्टमिक डिस्कवर्ड सो फार इज 2001. Yes, 500 तो रटा है लेकिन वन टू फोर हंड्रेड ओवर एक से लेके 400 के ऊपर तक एक से लेके 400 के ऊपर तक अमन पांडे पांच सौ ठीक है एक से लेके 400 के ऊपर तक सही जवाब क्या होगा रेंज फ्रॉम वन ओवर फोर हंड्रेड किलो बेस वन ओवर फोर हंड्रेड किलो बेस ऑप्शन के हिसाब से बेटा लगा लेना दो हजार का सवाल है देखिए बीस साल के पेपर हो गए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग अरे बेटा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा एग्रो बैक्टीरियम बेटा एग्रो बैक्टीरियम इट विल बी एग्रो बैक्टीरियम मेरे प्यारे बच्चे नॉट इकोलाई एग्रो बैक्टीरियम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने बोला नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें और ऐड कर लो ठीक चलिए कुछ सवाल छूट गए थे देखो फिर आ गया गोल्डन राइस इज रिच इन विद ए जीन दो हजार उन्नीस का सवाल आ गया और कई बार पूछा गया नाइट ब्लाइंडनेस कैसे दूर होगी विटामिन ए और जीन का नाम बता दीजिए जीन कौन सा है जीन है बेटा डेफोडिल डी ए डबल एफ ओ डी आई एल यहां पर ए होगा डी ए डबल एफ ओ डी आई एल नर्गिस भी बोलते हैं इसको शाबाश बेटा चलिए थर्टी सेवन देखिए इधर उधर हो गया था फिर ये 2019 आ गया आपका ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिवेट बी डी टॉक्सिन क्या चीज एक्टिवेट करेगा बेटा कल आपका पेपर है बेटा उसी के लिए रिवीजन है एज बायोटेक हम लोग थोड़ा अच्छे से कर लें यस एल के लाइन पीएच इन गट एलकेलाइन पीएच एच इन गट एल केट चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कॉमनली यूज एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट ह्यूमन लिम्फोसाइट में ट्रांसफर करना है पीछे हम लोग कर चुके हैं क्या बात है क्वेश्चन आया नहीं कि आपने जवाब दिया नहीं रिट्रो वायरस बहुत अच्छा बेटा चलिए थर्टी नाइन इन इंडिया दर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिल फॉर एसेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज इज दो फटाफट बताते जाइए फटाफट GEAC, ई ए सी वेरी गुड जी ई ए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जी चलिए भाई और अगला सवाल 40 और 2018, 2015 दो साल पूछा गया बच्चा ए न्यू वेराइटी ऑफ राइस वॉज प्रोटेक्टेड बाई फॉरिन कंपनी थ्रू सच वेराइटी है इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम दिस इज रिलेटेड टू अगर बेटा यही सब सवाल ना आ जाए बारह तारीख के पेपर में तो हमारा नाम लेना बंद कर देना और किसी बच्चे को न्यूलाइट में रिक्मा मत करना यस yes, बासमती राइस बासमती राइस वेरी गुड बासमती राइस साबास बेटा चलिए फोर्टी वन यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई ये मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री And it's people called हजार 2022 के सारे बच्चे परेशान हैं कि हम लोगों के लिए कब कराएंगे सर हमने कहा जब हमारे पुराने बच्चों का हो जाएगा तभी कराएंगे यस बायो पायरेसी बायो पायरेसी का मतलब होता चोरी और आप लोगों ने पढ़ा होगा पायरेटेड सीडी, चोरी चलिए नेक्स्ट बेटा आ गए हम लोग 42 टाइम बर्बाद नहीं हो रहा ना आपका जरा टाइप करिए टाइम तो बर्बाद नहीं हो रहा आज टाइप करिए टाइम बर्बाद नहीं हो रहा ना अरे भाई हम आपके लिए बोलेंगे स्पीड ए चाहिए तो जरा बताइए हमारी स्पीड ए कैसी है आज के क्लास की स्पीड कैसी है जल्दी टाइप करो क्लास की स्पीड कैसी है बच्चा स्पीड ठीक है ठीक हाँ, है मधु वेरी गुड चलिए थेरेपी वाज गिवन इन 1992 टू ए फोर ईयर गर्ल विद एडिनोस इन डी एमिनेज दो का सवाल है क्या लगाओगे भाई ठीक है मधु क्या लगाओगे बच्चा लोग जल्दी बता दो यस जीन थेरेपी सर जो क्वेश्चन गलत है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा ठीक है अब क्या इसमें एक्सप्लेन करें हम बस अभी ये स्लाइड पढ़ लो टाइम नहीं है जीन थेरेपी चलिए 43 द टू पाली ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय 2016 लिंक टुगेदर बाय लिंक टुगेदर बाय द टू पाली ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय यस डाई सल्फाइड ब्रिज बहुत अच्छा बेटा याद रखिएगा बेटा एक से दस तारीख तक रोज हम लोग मिलेंगे दो घंटे डाई सल्फाइड ब्रिज चलिए आगे आ जाओ बेटा फोर्टी फोर पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इंफेक्टेड बाय मिराइडो गाइन इग्निशिया दो हजार सोलह प्लांट का कौन सा पार्ट कौन सा पार्ट रूट बहुत अच्छा और अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई ये सवाल कितनी बार पूछा गया द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफ टी द प्लांट हमने आपको बताया एग्जामिनर के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते कितनी बार देखो ये सवाल कर चुके हो क्या होगा बच्चा लोग यस एग्रो बैक्टेरियम तो एग्रो बैक्टेरियम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर डायरी कार्ड खूब अच्छे से तैयार कर लेना बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स फटाफट आ जाइए इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रो टॉक्सिन इज कन्वर्ट इन टू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू 2015 का सवाल कर चुके हैं आप लोग जल्दी से बता दीजिए देख रहे हैं ना कितना आसान होता नीट का पेपर और हम लोग कितना टफ बना देते हैं उसको यस एल के अभी आपने किया था बच्चों ने चलिए 47 फटाफट फटाफट द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाई डीएनए टेक्नोलॉजी क्लास पे रिवाइज करने के लिए आइए कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आइए नई चीज तो बिल्कुल पढ़ाना रहा है इस समय अब कोई आना भी नहीं सवाल क्वेश्चन नंबर 47 बच्चा लोग यस yes, इंसुलिन बहुत अच्छा बेटा इंसुलिन 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 साबास बेटा शाबाश साबास, साबास, साबास इंसुलिन और जरा जरा सा अमेरिकन कंपनी का नाम बता दीजिए कौन सी अमेरिकन कंपनी थी बेटा अमेरिकन कंपनी कौन थी थोड़ा एसी बंद कर दो यार कौन सी अमेरिकन कंपनी थी अमेरिकन कंपनी का नाम बता दीजिए इली ली ली चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट वेक्टर इज यूज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी जीन थेरेपी में क्या वेक्टर यूज करते हैं जीन थेरेपी में कौन सा वेक्टर यूज करते हैं <coughs> हां यहां पर बेटा ठीक है यहां पे एडिनो वायरस दिया था ऑप्शन एडिनो वायरस भी याद कर लीजिए जीन थेरेपी के लिए पर्टिकुलरली एडिनो वायरस एडिनो वायरस और बेटा ये मीडियम साइज का होता है इसमें इन्वेलप नहीं होता एडिनो वायरस एडिनो वायरस नोट कर लीजिए मीडियम साइज का है और इसमें इन्वेलप नहीं होता मतलब प्रोटीन नहीं होता यस चलिए नेक्स्ट फोर्टी नाइन द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवेन फॉर ट्रीटिंग दो हजार बारह का सवाल है द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवेन फॉर ट्रीटिंग किस चीज को ट्रीट करने के लिए एडीए 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 डेफिशिएंसी बहुत अच्छा है यहां पर होगा एडीए चलिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द प्रोसेस ऑफ आर एन ए इंटरफेरेंस बीन यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू दो हजार ग्यारह का सवाल है आर एन ए इंटरफेरेंस किसके लिए था भाई रूट वाला सवाल कर चुके थे आप लोग नीमेटोड वेरी गुड नीमेटोड चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द प्रोसेस ऑफ फॉर इंटरफेरेंस हो गया बेटा फिफ्टी वन प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन दिस प्रोटीन ऑफ विदिथीवियन इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट दो हजार ग्यारह का सवाल है नाम लिखना बैक्टीरिया का बैक्टीरिया का नाम लिखना बेटा कौन सा बैक्टीरिया था बैक्टीरिया था बेटा क्या चीज यस बीटी बेसिलस थ्रू जेनेसिस चलिए अगला सवाल है बेटा देखिए 51 वन साइलेंसिंग ऑफ एम आर एन एज बीन यूज इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू दो का सवाल है फिफ्टी वन यस फ्यूचर डॉक्टर डेव बिल्कुल सही बेटा निमेटोड 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 चलिए फिफ्टी टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फार रेजिस्टेंस दो हजार दस ब्रिंजल किसके लिए था भाई रेजिस्टेंस डेवलप किया ब्रिंजल में ब्रिंजल में ब्रिंजल में ये था बेटा इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस था इंसेक्ट के लिए इंसेक्ट चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री द बैक्टीरियम थ्रू थ्रूजेंसिस इज वाइडली यूज इन कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी एज 2009 थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग द सेशन लाइक कर लो सब लोग सब्सक्राइब भी कर लो बेटा चैनल को यस yes, बेटा यहां पे हो जाएगा इंसेक्ट ग्रेट चलिए क्वेश्चन नंबर 54 फोर क्राइव वन एंडोटॉक्सिन ऑफटेन फ्रॉम बेसरेस थ्रूजेंसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट तो बेटा बीटी कार्टन और क्राई जिनके बना पेपर नहीं बनेगा ये भी याद कर लेना क्राई वन किसके लिए भाई क्राई वन क्राई वन किस वर्म के लिए है यस क्राई वन एंड्रोटॉक्सी क्राई वन किसके लिए बेटा क्राई वन यस वेरी गुड सुयान बनर्जी स्नेहा वर्मा बहुत अच्छा बेटा यस बहुत अच्छा बोल वर्म बेटा बोल वर्म बोल वर्म चलिए फिफ्टी फाइव ए ट्रांस फूड क्राफ्ट विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज क्योंकि बेटा डेवलपिंग कंट्रीज में हिड हंगर होता है क्या यूज करोगे भाई गोल्डन राइस क्यों क्योंकि बेटा इसमें होता है विटामिन ए फिफ्टी सिक्स ह्यूमन इंसुलिन इज बींग कमर्शियली प्रोड्यूस प्रामे ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ 2008 किसकी ट्रांसजेनिक स्पीशीज स्पीसीज लेंगे बेटा ह्यूमन इंसुलिन के लिए ह्यूमन इंसुलिन के लिए क्या लेंगे भाई यस वेरी गुड ई कोलाई अरबिया कोम वेरी गुड बेटा चलिए फिफ्टी सेवन ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो आजम यूज सक्सेसफुल बायो रेमिडेशन ऑफ सॉयल स्पिल्स स्पीसीज किसकी स्पीसीज लेते हैं बायो रेमिडेशन पलूशन को दूर करने के लिए वेरी गुड आंसर धनराज मोहम्मद हारिस बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही स्यूडो बोनास स्यूडो बोनास सूडो बोनास ठीक है ना और किसने किया था ये नाम बता दीजिए साइंटिस्ट किसी को पता है साइंटिस्ट का नाम नेम ऑफ साइंटिस्ट किसने किया था ये काम ये काम किसने किया था बेटा ठीक है वेरी गुड पंकज गुप्ता साबस दिल्ली जिंदाबाद आनंद मोहन चक्रवर्ती ठीक है पंकज भाई चलिए टी आई इज ऑफ एन यूज फॉर मेकिंग ट्रांसिनिक प्लांट द प्लास्मिड इज फाउंड इन 2004 कहां होगा टी आई भाई यस एग्रो देखिए घूम फिर के सवाल आ रहा है चलिए अगला सवाल है 2004 2003 का एलिशाइज यूज तो टू डिटेक्ट वायरस वेयर द की रिएजेंट इज 2004 2003 की रिएजेंट क्या है भाई यस सुषमा चौधरी क्या बात है भाई खलीलाबाद गजब कर दिया भाई एल्केलाइन, फास्फेटेज एंड परॉक्सीडेज एल्केलाइन, फास्फेटेज एंड परॉक्सीडेज एल्केलाइन, फास्फेटेज एंड परॉक्सीडेज चलिए और आज का बच्चा लोग आखिरी सवाल द फर्स्ट ट्रांसजिनी क्राप वॉज उन्नीस सौ निन्यानवे फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्राप वाज रोजी नहीं भाई क्राप पूछ रहे हैं काउ थोड़ी पूछ रहे हैं भैया जल्दी बताइए यस टूबैको तो बच्चा लोग क्राइज़ीन, पीसीआर एंटीपीसीआर सेलेक्टेबल मार्कर इन्हीं के आसपास आपको आठ दस सवाल मिलने जा रहे हैं अब आप लोग कहिए तो ये सारे पॉइंट एक बार बोल दें और हर यूनिट बेटा ऐसे ही हम आपको करा देंगे हां भाई पंकज क्या बात है गजब लेकिन भैया पंकज तुम मत यूज करना है चार सौ साल से लोग यूज कर रहे हैं और जो यूज कर रहे हैं वो इसकी गिरफ्त में आ गए हैं अब आप लोग कहिए तो हम एक बार ये सारे पॉइंट बोल दें बच्चा लोगों की मर्जी हो तो एक बार सारे पॉइंट बोल दें जल्दी बताओ जल्दी बताओ यार बोल दें और सुनो ध्यान से ध्यान से सुनो डीएनए प्रेसिपिटेशन करते हम लोग चिल्ड एथेनॉल से राइट इसल इशियलिटी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब ऑन लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज बायो रिएक्टर बेटा पाली मेरे चेन रिएक्शन में स्टेप होगा डी नेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन डीएनए फ्रेगमेंट को बेटा हम लोग स्टेन करते हैं से और डीएनए बेटा चार्ज होता है ग्रुप याद रख लीजिए अच्छे से अगला पॉइंट था बेटा ए जीन एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई सेलेक्टेबल मार्कर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन टिंग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टीयर टैंक बायो रिएक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डीएनए को जोड़ोगे लाइगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड इको आर पांच और हिंद टू स्टिकी एंड हिंद थ्री एंड इको आर वन और बेटा टैग पालीज निकालेंगे थर्मस एक्वेटिकस से डीएनए मालिक्यूल टू जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड एज वेक्टर कटिंग ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बाई वेक्टर फॉर ह्यूमन बेटा अगला सवाल था डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाई रेस्ट्रिक्शन के लिए जिन्हें केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेट बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और बेटा डीएनए के आइसोलेशन में हम लोग चिल्ड एथेनॉल यूज करते हैं डीएनए को प्रेसिपिडेट कराने के लिए

रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियको आर वन में एक सीओ बेटा है कोलाई के लिए एक बेटा यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में और बेटा वायरस यूज करते हैं क्लोनिंग एजेंट इन हायर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा और बच्चा लोग प्लास्मिड को हम लोग यूज करते हैं जीन क्लोनिंग के लिए एग्रो बैक्टेरियम को बेटा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेज यूज करते हैं डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज

जीन होगा बेटा याद रखिएगा इसके बाद बेटा एल्केलाइन फास्फेट जब गट का हो जाता है एल्केलाइन पीएच तो बेटा प्रोटोटॉक्स एक्टिव हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में और उससे बेटा डेथ हो जाती है इंसेक्ट की ठीक है ना इसके बाद बेटा रिट्रोवायरस वायरस कॉमनली यूज होता है वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइड इंडिया में बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन जीएमओ के सेफ्टी के लिए बना है उसको बोलते हैं जीईएसी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी और बेटा राइस बासमती राइस जिसको पेटेंट करा लिया था अमेरिका ने और बेटा अगर किसी पेटेंट को यूज कर लेंगे किसी के पेटेंट को तो बायो बायो पायरेसी बोलेंगे आ, जीन थेरेपी वाज गिवन इन नाइनटीन नाइनटी टू फोर ईयर ओल्ड गर्ल विद एडिनोसिन एडीए डेफिशियंसी डाइसल्फाइड ब्रिज बेटा दो पाली चेन ह्यूमन इंसुलिन को जोड़ता है

और बेटा निमेटोड में आपने पढ़ा था आरएनए इंटरफेरेंस एंटरफियर ठीक है ना ऑफ फार्म बेसिलस फार्म बेसिलस प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन साइलेंसिंग ऑफ बेटा इंसेक्टीसाइडल के लिए पढ़ा था इसके बाद बेटा बैक्टीरियम बेसिलस थ्रूजेनसिस को हम लोग इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं बच्चों क्राइव वन बेटा बॉल वर्न के लिए है गोल्डन राइस से बेटा नाइट ब्लाइंडनेस कम हो जाएगी ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए बेटा ट्रांसजेनिक ट्रांसनिक स्पीसीजिकोलाई का यूज करते हैं और बेटा जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमिड आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम याद रखना टी आई प्लास्टम इलिसा इज यूज टू डिटेक्ट वायरस वेयर द की रिएजेंट इज एल्केलाइन फास्फेट एंड द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप बेटा क्या था टोबैको अब जरा सा ये बता दीजिए भाई कैसा लगा ये राउंड आपके बायोटेक के क्वेश्चन 2000 से खत्म और पेपर भी आएगा इसी के आसपास ये पीडीएफ जब पेपर हो तो आप लोग बेटा मिला लेना जरा बताइए कैसा लगा जल्दी से बता दीजिए और इस पीडीएफ के आसपास दो घंटे का टाइम लेकर क्या करना नोट कर लेना बच्चा लोग ठीक है ना तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोटेक ठीक है ना अब थोड़ा सा फटाफट रैपिड फायर साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो फर्स्ट डिस्क्राइब बाई फटाफट बताइए साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय जल्दी से बता दीजिए थैंक यू बच्चा लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू टाइम ज्यादा नहीं है बेटा साढ़े दस ज्यादा नहीं लेंगे गर्दा उड़ा दिया धीरज ठीक है तुम लोग सिलेक्शन उड़ा देना यस yes, नीनियस साबास बच्चों चलिए प्लेस वेयर ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसमैन केप्टीट ड्राइड प्रेस्ड स्पेसमैन केप्ट आन सीट हां मृंद करा देंगे बेटा यस यस करा देंगे बिल्कुल याद है हमको साबास बच्चा हार्बेरियम प्लेस हैविंग कनेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एन एनिमल यस yes, म्यूजियम बहुत अच्छा कल्पना कृषि ठीक है टेक्सोनामिक कैटेगरी आइडेंटिफाइड बाय वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर टेक्सोनामिक कैटेगरी आइडेंटिफाइड बाय वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर बोथ और बेटा यहां हो जाएगा फैमिली सिंबिया एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ आयर प्लांट सिंबियाटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ आयर प्लांट देख लेना ऐसे ही सिंपल सिंपल पेपर मिलेगा एंड रूट ऑफ आयर प्लांट माइकोराइजा जरा बताइए माइकोराइजा किस एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है जरा जल्दी जल्दी माइकोराइजा किस एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है भाई यस yes, फास्फोरस बहुत अच्छा और प्लांट आपने पढ़ा था बेटा पाइनस अब जरा बता दो फटाफट फड़ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन ऐसे ही अगर पेपर ना मिले तो हमारा नाम मत लेना और जो लोग हाई फाई पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो डायट ऑफ सिलिका का डिपोजिशन करता है डायटोमेसियस अर्थ बनाता है भाई अगला सवाल है बेटा प्रोटिस्ट विथ टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस जल्दी से बता दीजिए प्रोटिस्ट विद टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रोटिस्ट विथ टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस पैराबीसियम कांजुगेशन होता है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस बहुत अच्छा है आज का अगला सवाल है आरकी बैक्टेरिया फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन हां ऐसे ही पेपर आएगा गर्दा तो उड़ाई दोगे यस समरीन आतिया हेलो फाइल्स वेरी गुड बेटा चलिए स्मालिस लिविंग सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इस्म लिविंग सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, फ्राइडे की तरह अपियरेंस होता है चलिए भाई प्रीमिटिव प्रो प्रोड्यूस प्रोड्यूज मेथेन प्रिमिटिव प्रो प्रोड्यूस प्रोड्यूज मेथेन प्रीमिटिव प्रो कैरिया मेथेन यस बच्चा लोग मेथेनोजन मेजर कंपोनेंट ऑफ फंगल सेलवाल मेजर कंपोनेंट ऑफ फंगल वॉल यस काइटिन वेरी गुड अब जरा बताइए उस किंगडम का नाम जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है उस किंगडम का नाम जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है उस किंगडम का नाम जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है बेटा इस क्लास के बाद आप लोग बस एनसीईआरटी पढ़ते रहिए जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है बच्चों यस प्रोटिस्टा अब जरा बताइए चेरसोफाइड डायनोफ्लेजलेट यूग्लिन कैसे प्रोटिस्ट हैं चेरसोफाइड डायनोफ्लेजलेट एंड यूग्लिन चेरसोफाइड डायनोफ्लेजलेट यूग्लिन ये कैसे है बच्चों यस, yes, आर्टोट्रॉपिक गणेश बिल्कुल सही बात है फंगस डी ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग फंगस का कौन सा ग्रुप है बेटा जो मेनली डी की तरह काम करते हैं फंगस का कौन सा ग्रुप मेनली डी की तरह काम करते हैं फंगस का कौन सा ग्रुप मेनली डंपोजर की तरह काम करते हैं यस ड्यूट्रोमाइीज फंजाई इम यूनिसेवलर ऑर्गेनिजम सेलवाल फ्राम टू ओवरलैपिंग सेल यूनिसेर ऑर्गनिजम सेलवाल फ्रॉम टू ओवरलैपिंग सेल सेलवाल फ्रॉम टू ओवरलैपिंग सेल यस बच्चा लोग डायटम्स वेरी गुड बेटा डायटम्स दैट इज कॉल्डो फाइटा क्वाइल्ड आरअने विथ कैप्सोम क्वाइल्ड विथ कैप्सोमियर प्रेजेंट थ कैप्सोमियर यस वेरी गुड पवन यादव बहुत अच्छा बेटा टूबै को वायरस ठीक है मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी कहां मिलेगी कई बार सवाल पूछा गया है मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी फेयर यू विल गेट मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी यस मोनेरा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेटा देखिए इस टाइम तो यही है ना कि अगर आपको सेलेक्ट होना तो हम पूछे आप बताएं ठीक है ना यू बैक्टीरिया बीजीए कौन सा यू बैक्टीरिया बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं बीजीए नाम बता दीजिए यू बैक्टीरिया रेफर्ड एज बीजीए सारे बच्चे लोग बेटा नए बच्चे सब्सक्राइब कर ले चैनल को सब लोग लाइक कर दीजिए बैक्टीरिया है ना सबसे पहले ऑक्सीजन निकला चलिए अगला सवाल है बेटा इन्वेलप्ड ऑफ वायरस इज नोन एज वायरस के इनवेलप को क्या बोलते हैं वायरस के इन्वेलप को क्या बोलते हैं वॉट इज द नेम ऑफ इनवेलप ऑफ वायरस यस दैट इज कॉट ए कैप्सिल यूनिसेलर यू करियर्ट इंक्लूडेड इन यूनिसेलुलर यू करियर्ट इंक्लूडेड इन यूनिसेलर यू करिया इंक्लूडेड इन अरे जल्दी बताओ यार इसमें क्या ऐसे ही सिंपल सवाल आना है ये अस्पोटिस्टा चलिए ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कास्ट बाई ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कास्ड बाई ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कास्ड बाई पक्सीनिया अब जरा बताइए किस इंडियन साइंटिस्ट ने पक्सिनिया पे काम किया था इंडियन साइंटिस्ट वर्ड ऑन पक्सिनिया और कहां के रहने वाले थे बेटा ये लेट डॉक्टर केसी मेहता फ्रॉम आगरा कॉलेज आगरा याद रखिएगा लेट डॉक्टर के सी मेहता फ्रॉम आगरा कॉलेज आगरा ठीक है अगला सवाल है बेटा डायनर ने क्या डिस्कवर किया था डायनर ने क्या डिस्कवर किया था बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सवाल आने जा रहा है बारह तारीख को पेपर में ज्यादा परेशान नहीं होना है डायनर ने क्या खोजा था भाई वायरवाइड और अगला सवाल है बच्चों हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जिसमें पाया जाता है राइजोफोर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट विद राइजोफोर अभी एक साथ सारे पॉइंट बोल देंगे सुन लेना हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट विद राइजोफोर सारे बच्चे लोग गूगल फॉर्म भर देंगे भाई यस खुशी बेटा वेरी गुड सिलेजी नेला बहुत अच्छा है एलगी फंजाई में मियोसिस कहां होती है जल्दी बता दीजिए बिल्कुल हाई फाई नहीं बिल्कुल सिंपल सवाल जैसे पूछा जाता है एलगी फंजाई में म्योसिस कहां होती है टेक्स फंजाई, अब जरा बताइए किसकी लाइफ साइकिल होती है किसकी लाइफ साइकिल होती है हेप्लोडिप्लांटिक? लाइफ साइकिल कहां मिलेगी बच्चा हेप्लोडिप्लांटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल अच्छा पालीसाइफोनिया अरे बेटा टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट भी तो लिखोगे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट यस एक्सेप्शन तो एलगी तो में है चलिए टॉलेट जिम्नोस्पर्म का नाम बता दीजिए टॉलिस्ट जिम्नोस्पर्म एंड टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म स्पर्व जिम्नोस्पर्म एंड टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म सिकोया जिसको बोलते हैं रेडू ट्री और एंजियोस्पर्म बेटा होगा यूक्लिप्टस चलिए अब आगे बेटा बताना है उन ग्रुप का नाम जिसमें मेल गैमी ट्रांसपोर्ट होते हैं पानी के द्वारा मेल गैमी ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर मेल गैमी ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर प्लांट ग्रुप का नाम बताना है प्लांट ग्रुप का नाम वेरी गुड रवि प्रकाश गुप्ता साबस बेटा ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट विद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट विद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जल्दी बता दीजिए ब्रायोफाइटा जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है यस जिसको बोलते हैं पीट मास वॉल मास नॉन मोटाइल आइसोगैमी प्रेजेंट इन विच ग्रीन एल्गी नॉन मोटाइल आइसोगैमी, नॉन मोटाइल आइसोगैमी किस ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा हिंड देते हैं कंजुगेशन भी होता है नॉन टाइल आइसोगी क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है बेटा स्पाइरल अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम कहां होता है अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम कैरा वेरी गुड बेटा कैरा चलिए सीडेड प्लांट विथ सिंबियाटिक रिलेशनशिप विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रो सीडेड प्लांट सिम्बियाटिक रिलेशनशिप विद नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रो कैरिया साइकल सीडेड है बेटा ना इस परमेटोफाइटा का मेंबर है और उसके रूट में बेटा पाया जाता है ब्लू ने इन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट वेयर प्लेस ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में मियॉसिस कहां होती है बच्चा लोग जल्दी से बता दो में बेटा meiosis कहां होती है यस yes, बेटा मियोसिस होती है कहां सेल में वेरी गुड मदर सेल ठीक है प्लांट प्लांट ग्रुप विद लार्जेस्ट्यूल एंड लार्जेस्ट बेलगेमी प्लांट ग्रुप अगर बेटा प्लांट ग्रुप पूछा जाएगा कुछ और लगाएंगे प्लांट पूछा जाएगा कुछ और लगाएंगे प्लांट ग्रुप विद यस प्लांट ग्रुप होगा बेटा जिम्नोस्पर्म और बेटा प्लांट क्या होगा साइकस क्यों चला है भाई कहां गर्मी लग रही है चलिए आज का अगला सवाल है बेटा रेस्पिंग आर्गन ऑफ पाइला रेस्पिंग आर्गन ऑफ पाइला रेस्पिंग आर्गन ऑफ पाइला रेस्पिंग आर्गन ऑफ पाइला यस बच्चा रेडुला ठीक है आज का अगला सवाल है बेटा हाउ मेनी कॉम्प्लेट आर प्रेजेंट इन प्लूरो ब्रैंकिया हाउ मेनी कॉम्प्लेट कॉम्प्लेट प्लूरो बैंकिया हां एट रोज में होते हैं बिल्कुल सही बात है एट रोज चलिए रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन टीनिया इज डन बाई टीनिया का मेंबर है इसमें आसमो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन किससे होता है और अगर आपको पेपर ऐसे ही सिंपल मिल जाए तो चार लोगों को बताइएगा जरूर कि भाई न्यूलाइट सिंसर का चैनल ज्वाइन करो फ्लेम सेल फ्लेम सेल प्रोटोनिफ्रीडिया सोलिनोसाइड्स चलिए बाइलेट्री सिमेट्रिकल ए एनिमल और एक सवाल बेटा इस तरह का बन सकता है ट्रिपलो प्लास्टिक से सिलोमेट ऐसे करके पूछ सकते हैं बाइलेट्रली सिमेट्रिकल ए सिलोमेट एनिमल बाईलेट्रली सिमेट्रिकल ए सिलोमेट एनिमल स्प्लेटी हेलमेंथीज और बेटा सीडोसिलोमेट होगा तो एसके हेलमेंथीज फाइलम विद फर्स्ट एक्सक्रीटरी आर्गन फाइलम विद फर्स्ट एक्सक्रीटरी आर्गन कौन सा फाइलम है बेटा जिसमें सबसे पहले एक्सिटी आर्गन बना फर्स्ट एक्सिटी आर्गन बेटा एनी लीडा नहीं होगा प्रफुल दीक्षित अभी तुमने प्रोटोरेफिडिया पढ़ा कि नहीं आर्गन नहीं है यस प्लेटियल ठीक है भाई सौम्या ठीक है सिक्स टू फिफ्टीन पेयर ग्लिट्स कहां पाए जाते हैं छे से पंद्रह पेयर गिल्सलिट्स सिक्स टू फिफ्टीन पेयर गिल्सिट्स आर प्रेजेंट इन यस साइक्लोस्टोमेटा बहुत अच्छा है आज का अगला सवाल है हेट्रोसर्कल कार्डल फिन आर प्रेजेंट इन हेट्रोसर्कल कार्डल फिन आर प्रेजेंट इन हेट्रोसर्कल कार्डल फिन हेट्रोसर्कल हेट्रोसर्कल सर्कल कार्डल फिन ठीक है भाई जतिन गुप्ता कॉन्ड्रिक्थ इज वेरी गुड आज का बेटा अगला सवाल है बुक लंग इज रेस्पिरेटरी आर्गन प्रेजेंट इन बुक लंग विद रेस्पिरेटरी आर्गन प्रेजेंट इन बुक लंग विद रेस्पिरेटरी आर्गन आर्थ्रोपोडा ठीक है और स्कॉर्पियन लगा सकते हो फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा फाइलम विद बायोलिशेंस प्रॉपर्टी ఫోల ప్రాడ్ సర్వస్ సిస్టల్ హలో ప్రజెంట సెంట్రల్ నర్వస్ హలోవస సిస్టల్ హాలో ప్రెజెంట్ यस रेडी रेडी बेटा जरूर सेलेक्ट हो जाओगे यस कार डेटा अब बच्चा लोग आप कहो तो एक बार बोल दें हम आप लोग बच्चों बोलो तो एक बार बोल दे सारे पॉइंट जल्दी बताइए एक बार बोल दे सुनोगे हाँ बस बेटा केवल लेंगे बेटा मिनट का टाइम बस चलिए तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो फर्स्ट डिस्क्राइब प्लांट प्लेसिंग म्यूजियम सिंबिया एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद हायर प्लांट इज माइकोराइजा पाइनस का एग्जाम्पल फास्ट के चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन इज डायटम्स प्रोटीन विद टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज पैरामीशियम आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन इज हेलोफाइल्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इज माइकोप्लाज्मा प्रिमिटिव प्रोकैरियोट प्रोड्यूस मेथेन इज मेथेनोजन मेजर कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल इज काइटिन फोटोसेंट्रिक प्रोटिस्ट आर चेरिसोफाइट डायनोफ्लैजेलेट यूक्लिनोइड बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड फंगस डीकंपोजर ऑफ लिटर मिनरल रिसाइक्लिंग न्यूट्रोमाइसिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फॉर्म टू ओवरलैपिंग सेल चेरिसोफाइटा क्वाड आरएनए विद कैप्सोमियर इज प्रेजेंट

हेट्रोसल कॉर्डल फिन इज प्रेजेंट इन कॉन्डेक्स बुक लंग इज रेस्पेटरी ऑर्गन इन स्कॉर्पियन फाइलम विद बायोनी प्रॉपर्टी टीनोफोरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल एंड हालो इज प्रेजेंट इन कॉर्डेटा तो बच्चा लोग कैसा लगा ये राउंड जरा जल्दी से टाइप करके बता दीजिए फटाफट जल्दी बता दीजिए कैसा लगा ये राउंड जल्दी से बताइए मजा आ रहा है टाइम बर्बाद नहीं हो रहा ना मैंने आपको बताया था बेटा मेरी सारी स्ट्रेटजी टाइम के हिसाब से चेंज होती है मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है अब यस भाई तनवार तनवार जिंदाबाद कैसा लगा जाए जल्दी बता दो बच्चा लोग कॉन्फिडेंस हाई हो गया वेरी गुड काजल पांडे कॉन्फिडेंस तो हाई होगा देव वर्मा मजा आ गया अभय और चलो भाई जल्दी से टाइप करो कैसा लगा सबको अरे भाई विकास मोहन 340 से ज्यादा आएंगे चिंता मत करो लव फ्रॉम बनारस लव फ्रॉम कानपुर प्लांट फिजियोलॉजी करा दिया भैया इसके पहले चलिए अरबिया अरबियो बहुत खूब बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा तुम लोग तो भैया कोटा से पढ़ के आओ बड़ी जगह से तुम लोग क्या बताए हमार सर ऐसा लग रहा है सब कुछ दीपक अब कहां से भूल गया यार सब तो बता रहे हो क्या भूल गया भैया अंशु बेटा क्लास करते रहो बढ़ जाएगा चलिए टाइम बेटा नहीं बर्बाद करते हैं हम लोग बेटा फाइलम विद स्पंजोशील क्वानोसाइट एंड इंटरशल सेल फाइलम विद स्पंजोशील क्वानोसाइट एंड इंटर सेल यस पूरी फेरा गुगली हो जाएगी बेटा चिंता मत करो ठीक है एल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म एल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लव फ्रॉम कानपुर बेटा रवि प्रसाद यस मेटाजेंसी सोबिलिया बिल्कुल सही बात है जालिश फिश विद एमोसिट लार्वास फिश विद एमोसिट लार्वास फिश विद एमोसिट लार्वास दैट इज दोमाइजॉन प्लेटफॉर्म विद हाई पावर ऑफ रीजनरेसन फ्लैट वन विद हाइएस्ट पावर ऑफ रिजनरेसन फ्लैट वन विद हाइएस्ट पावर ऑफ रिजनरेसन यस प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, चलिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द फाइलम मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द फाइलम बस बेटा साढ़े दस तक क्लास होगी आठ से साढ़े दस हुआ करेगी यस प्लेन एरिया वेरी गुड आज का अगला सवाल है बच्चों एनिमल विद बोथ बाईलेट्रल एंड रेडियल सिमेट्री एनिमल विद बोथ बाईलेट्रल एंड रेडियल सिमेट्री लार्वा में बाईलेट्रल एडल्ट में रेडियल बाइलेटरल बाईलेक्ट्रल सिमेट्री यस इकाइनोडरमेटा स्पाइनी स्किन एनिमल प्लांट विद विंग्ड पॉल इनग्रेल प्लांट विद विंग्ड पॉल इनग्रेल प्लांट विद विंग्ड पॉल इनग्रेल विंग्ड पॉल ग्रेन मेटा प्लांट विद विंग्ड पॉलन ग्रेन ये क्या हो गया देखो सही कर गया प्लांट विद यस, पाइनस, पाइनस। प्लांट विद येलोरेन, प्लांट विद येलो रेन एंड प्लांट विद येलोरेन येलो रेन यस, येलोरेन माइकोराइजा डिडिल प्लांट विच कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट फंगल एसोसिएशन प्लांट विच कैन नॉट जर्मनेट विदाउट फंगल एसोसिएशन अच्छा ठीक है साइकल्स चलिए प्रोटीन रिच यूनिसेलर एलगी प्रोटीन रिच यूनिसेलर एलगी प्रोटीन विद यूनिसेर एलगी स्पायरुलिना एंड फ्लोरिला फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चरली सिमिलर टू फ्लोरिडियन स्ट्रक्चरली सिमिलर टू, एमाइलोपेटिन एंड ग्लाइकोजन, टेरिडोफाइड विद स्टूबिलाई आर फोन

फिल्स एंड मॉरल्स आदित्य आदित्य सृष्टि वेरी गुड बेटा चलिए ए सेक्सुअल इंप्रोडक्शन बाई कोरिडिया ग्रुप ऑफ फंगस एक्सुअल इंप्रोडक्शन बाई को ग्रुप ऑफ फंगस ए सेक्सुअल इंप्रोडक्शन बाई कोरिडिया ग्रुप ऑफ फंगस हाँ दैट इज एस्को एंड ड्यूट्रो ठीक है एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन कंटेनिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कंटेनिंग इन्फेक्टिव एजेंट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कंटेनिंग इन्फेक्टिव प्रोटीन प्रियॉन डिजीज होगी बैड काउ ठीक है प्लांट ग्रुप दैट इज सिम्बिया एंड सेंसिटिव टू एसो टू पॉल्यूशन सिम्बियाटिक प्लांट सेंसिटिव टू एसओ टू पोल्यूशन। सिम्बियाटिक प्लांट सेंसिटिव टू एसओ टू पोल्यूशन। यस लाइक एन फ्री आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोट फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट यस वायरवाइड हार्बेरियम सेफ साइज कलर के बारे में जानकारी देता है कि नहीं हार्बेरियम सेफ साइज कलर के बारे में जानकारी देता है कि नहीं नो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय यस yes, मेयर बहुत अच्छा है फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम वेक्टर यूज या वेक्टर प्रेफर्ड फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम वेक्टर प्रेफर्ड फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम वेक्टर प्रेफर्ड यस बी एसी वाई एसी अभी बोला था फिच क्रोमोसोम है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन फ्विच क्रोमोसोम है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन यस कृतिका पांडे बहुत अच्छा अक्षत अच्छा, विश्ववर्मा बहुत अच्छा क्रोमोसोम वन यू विल गेट एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फेयर यू विल गेट एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स ओ टाइप फेयर गेट एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यस ग्रास आपर वेरी गुड चलिए मार्गन ने किसके ऊपर काम किया था टीएच मार्गन ने किसके ऊपर काम किया था टीएच मार्गन ने किसके ऊपर काम किया था टीएच मार्गन <coughs> यस ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर फिनाइल कीटोन्यूरिया आटोसोमल डोमिनेंट आर एसेसिव फिनाइल किटोन्यूरिया आटोसोमल डोमनेंट yes, और रेसेसिव। फिनाइल फिटोन्यूरिया आटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव। यस रेसेसिव और बेटा अगर कोई बीमारी आटोसोमल होगी तो मेल और फीमेल में इक्वल रेट से अपेयर होगी ठीक कलर ब्लाइंडनेस और सेक्स सेक्सलिंग कलर ब्लाइंडनेस और सेक्स सेक्सलिंग कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस आटोसोमल सेक्सलिंग कलर ब्लाइंडनेस हा बेटा फास्ट हो रहा है एक्स एक्स एक्सलिंग एक्सलिंग मेल में दो कंडीशन होगी नॉर्मल डिजीज फीमेल में होगी नॉर्मल डिजीज और कैरियर ठीक है इन लय को जेड जीन कोड फार इन लय को जेड जीन कोड फार इन को जेड जीन कोड फार इन ले जेड जीन कोड फार यस फैन ऑफ किंग कोहली अच्छा भाई बीटा ग्लेक्टो इंड्यूसर ऑफ लेक इंड्यूसर ऑफ लेक यस लैक्टोज चलिए कहां पढ़ा बेटा लेस देन टू परसेंट ह्यूमन जीनोम के बारे में लेस देन टू परसेंट ह्यूमन जीनोम के बारे में लेस देन टू परसेंट वैभव बेटा करते रहो टाइप टाइर्ड तो हुई हो ही गए होंगे प्रोटीन इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हां जो प्रोटीन को कोड करेगा ठीक है फुल फॉर्म ऑफ एस एन एन पी ये चला दो फुल फॉर्म ऑफ एस एन एम पी एस एन पी एस फुल फॉर्म ऑफ एस एन पी एस फुल फॉर्म ऑफ एस एन पी एस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मार्फिजम इज कॉज्ड बाय अमीबियोसिस अमी अमीबियोसिस इज कास्ट बाई अमी बियवाह हिस्टोलिटिका चलिए एक बार बोल दे बेटा पॉइंट इस राउंड के जल्दी बताइए इस राउंड के पॉइंट एक बार बोल दिए जाए जल्दी बता दीजिए यस आर नो टाइप करिए जल्दी से

लार्वा में लेटल बाद में हो जाएगा रेडियल सिमिट्री विंग्ड येलो रेन, लीफ, पॉलिंग कंडीशन माइक्रोइर एसोसिएशन एंड चिलगोजा रिलेटेड विद पाइनस प्रोटीन क्लोरेला क्लोरलाना फ्लोरिडियन स्टार सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन टेरिडोफाइट विद स्टोबिलाईजोन इक्विटम एडमिल डिलीशियस एस्कोमाइटिस इन फंगस एस्को एंड ड्यूट्रोमाइिज फंजाई। ड्यूट्रोमाइस एस्कोमाइस्टिंग फोल्डेड प्रोटीन कंटेनिंग इन्फेक्टिव एजेंट इज प्रियान मर्ड काउ डिजीज सिंबियाटिक एसोसिएशन प्लांट एसओ टू पॉल्यूशन इंडिकेटर मथुरा रिफाइनरी ताजमहल यहाँ हो गया लाइक फ्री आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोट वायर वायर्ड हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट सेफ साइज कलर

चलिए बेटा बताओ कैसा लगा ये राउंड कैसा लगा ये राउंड बच्चा लोग टाइप कर दीजिए पहले आपका कमेंट देख लें फिर आगे बढ़ें कैसा लगा ये बेटा राउंड जल्दी बताइए चलिए 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 आगे चलते हैं चलिए आप जरा बताइए मैरेसमस डिसऑर्डर बेटा डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कैलोरी बोथ मैरेसमस बंद कर दो मैरेसमस प्रोटीन कैलोरी बोथ थैंक यू अतुल मैरेसमस प्रोटीन कैलोरी बोथ यस भाई बोथ चलिए सेल हुई सिक्रीसन प्रोटेक्ट जीआईटी सेल हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट जी आई टी सेल हुन प्रोटेक्ट जी आई टी यस गॉबलेट सेल बहुत अच्छा है फोटो रिसेप्टर सेल आर प्रेजेंट आर एब्सेंट इन ब्लाइंड स्पॉट फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट आर एब्सेंट इन ब्लाइंड स्पॉट फोटो रिसेप्टर सेल एबसेंट इन ब्लाइंड स्पार्ट और येलो स्पार्ट बेटा इसका जस्ट रिवर्स होता है ठीक है स्टर्नम इज पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केल्टन स्टर्नम इज पार्ट ऑफ एक्जियल आर एपेंडिकुलर स्केल्टन बस बेटा क्लास लेंगे साढ़े दस तक बस स्टर्नम यस एक्जियल स्केल्टन पार्ट ऑफ ब्रेन रिलेटेड विद बॉडी टेम्परेचर या थर्मोरेग्युलेसन पार्ट ऑफ ब्रेन रिलेटेड विथ थर्मोरेग्युलेसन थर्मोरेगुलेसन या वेंट्रल वाला डैंस फैलान ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस यस पाइवोड ज्वाइंट बहुत अच्छा बच्चों पाइवोड ज्वाइंट नो मूवमेंट ज्वाइंट वेयर देर इज नो मूवमेंट फाइब्रस ज्वाइंट आप जानते हैं बेटा थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोग्रैंड ग्लैंड आयोडीन की जरूरत होती है बताना बेटा ये आपको इसके रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं वॉट इज द लोकेशन ऑफ रिसेप्टर ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। रिसेप्टर ऑफ हा थायरोक्सिन हार्मोन। यस जीन लेवल पे काम करेगा बेटा फंक्शनल टेम्पो ऑफ लाइफ को मेंटेन करें फटाफट बता दीजिए लॉन्गेस्ट बोन लॉन्गेस्ट बोन लॉन्गेस्ट बोन लॉन्गेस्ट बोन फीमर चलिए वॉट इज वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट यस जी एफ आर वन एटी लीटर पर डे मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया अमोनिया को यूज करके आपका बॉडी का कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है यूरिया अमोनिया को यूज करके आपके बॉडी में कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है यूरिया लीबर बाई आर्मीथिन साइकिल चलिए वाट इज कॉमन इन UAG, जी यू यूजीए एंड यूए यू ए जी जी एंड यूए ये कोडान है बेटा अभी बेटा बहुत सारी चीजें करानी आपको यस स्टार्टिंग कोडान अरे भाई ये स्टाफ कोडान है बच्चों अब जरा बताओ पलूसन में कहा ईयर यूज हुआ 1986 ईयर 1986 एटी में बेटा कहां यूज हुआ ईयर 1986 स दैट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है इन ह्यूमन हार्ट विच चैम्बर है इन ह्यूमन हार्ट विच चैम्बर हैव थीकेस्ट वाल इन ह्यूमन हार्ट विथ चैम्बर हैव थीकेस्ट वॉल यस yes, बच्चो वेरी गुड बेटा लेफ्ट वेंटगिल ठीक है मेमरेन कवरिंग द लंग्स मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स यस प्लूरल मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय। बेटा कल का जो पेपर है उसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन में करेक्शन है करा दिए जाएंगे उसको ठीक से देख लेना यस स्पायरोमीटर ऑनलाइन में कोई करेक्शन नहीं है चलिए फिच वॉल्यूम ऑफ लंग कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर फिच वैल्यूम ऑफ लंग्स कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर स्पायरोमीटर से कौन सा वैल्यूम मेजर नहीं किया जा सकता है रिजर्व वैल्यूम वेरी गुड बच्चा प्रीति यादव बहुत अच्छा है स्लीप अवेक साइकिल रिलेटेड विद फिच हार्मोन स्लीप अवेक साइकिल रिलेटेड विद फिच हार्मोन स्लीप अवेक साइकिल रिलेटेड विद विच हार्मोन यस ज्योति वेरी गुड बेटा मिलानोटीन साबास बेटा चलिए रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसिल रिजल्ट इन एक्यूबलेशन ऑफ रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसिल कैन लीड द एक्यूबलेशन ऑफ यस वेरी गुड बेटा लैक्टिक एसिड ठीक है एग्जांपल इजाने एग्जाम्पल और पैसिव इम्यूनिटी यस yes, बच्चा लोग यस नेचुरल एंड पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल एंड पैसिव इम्यूनिटी ग्रेफ्ट रिजेक्शन इज ड्यू टू विच काइंड ऑफ इम्यूनिटी ग्रैफ्ट रिजेक्शन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बिल्कुल सही बात है ठीक है ना डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो एडीएच कम होगा कि ज्यादा होगा डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो एडीएच कम होगा कि ज्यादा होगा इन डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच यस वेरी गुड लेस वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आता है सेपरेशन प्यूरिफिकेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल सेपरेशन प्यूरिफिकेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग वेरी गुड अब बेटा बताना इनिशिएट, इनिशिएशन फैक्टर फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर फॉर ट्रांसक्रिप्शन या सिग्मा फैक्टर हो तो रो फैक्टर ठीक है तो बेटा देख लीजिए कैलोरी बोथ सेल हुई सिक्रीशन प्रोटेक्ट जीआईटी गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करेगा फोटो रिसेप्टर सेल आर एबसेंट इन ब्लाइंड जहां कोई बेच नहीं बनती है स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ एक्जर स्केलेटन हाइपोथेलमस रेगुलेट करेगा बॉडी टेम्परेचर को ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस फाइवोड ज्वाइंट नो मूवमेंट इज देयर इन फाइबर ज्वाइंट थायरॉक्सिन बेटा न्यूक्लियर रिसेप्टर पर काम करेगा लॉन्गेस्ट बोन बेटा फीवर होगा जी एफ आर बेटा वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट होगा वन एटी लीटर पर डे होगा और सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस बेटा अमोनिया होगा अमोनिया का फार्मेशन बेटा लीवर में होगा और इंपॉर्टेंट बात है यह होगा आर्नीथिन साइकिल से आर्थिन साइकिल बेटा रिमूव करेगा सीओ टू एंड अमोनिया

और जो इम्यूनिटी होगी ये बेटा नेचुरल पैसी होगी एंटीबॉडी आई होगा ग्रेफ्ट रिजेक्शन बेटा सेल मेडिटेड इम्यूनिटी से है अर्थवर्म बेटा बाईस एक्सो यानी मोनोइस होगा निमेटिक बोन बर्ड में होंगी ऑप्लिगेटरी एब्जॉपन ऑफ सोडियम एंड वाटर बेटा पीसीटी में होगा डायबिटीज इंसिपिडस बेटा एडीएच की कमी से होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में बेटा सेपरेशन प्यूरिफिकेशन क्लिनिकल ट्रायल होगा और बेटा ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनिसन फैक्टर सिग्मा फैक्टर होगा कोडिंग सीक्वेंस बेटा एग्जाम होगा और फाइव किंगडम सिस्टम दिया गया था 1969 में जरा सा बता दीजिए कैसा लगा ये राउंड भाई कैसा लगा ये राउंड जल्दी बता दीजिए अच्छा भाई कल्पना कृषि कमेंट करके बता देना अच्छा भैया सुनो एक काम कर देना भाई तुम लोग जैसा भी लगे बेटा गूगल पे जाके जरा न्यू लाइट के लिए कमेंट जरूर लिख देना अच्छा या खराब अब देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं आज गूगल पे आपको जैसा भी लगा न्यू लाइट के लिए कमेंट जरूर लिखना होगा आपको चलिए सर आई वॉज लैगिंग कुडंट हर्ड यू सर हम लोग कुछ भी नहीं सुन पाए लैग हो रहा था अरे बाप रे बाप अच्छा भाई शुभम अंसारी माशाला चलिए टाइम बेटा नहीं बर्बाद करते हैं न्यूक्लियस माइटोकांडिया क्लोरोप्लास्ट में क्या कामन बात है न्यूक्लियस माइटोकांडिया क्लोरोप्लास्ट में क्या कॉमन बात है न्यूक्लियस माइटोकांडिया एंड क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट माइटोकांडिया अरे भाई सब में कहा डीएनए है हाँ, अरे भाई न्यूक्लियस माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हां सही बात है डीएनए भी है और डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड भी है बिल्कुल सही बात है नॉन मेम्ब्रेनस आर्गेनेस ऐसे आर का नाम बताओ जिसमें कोई मेमरेन नहीं है जिसमें बेटा कोई मेमरेन नहीं है नो मेम्बरेन सेंट्रियोल रिया सोनी राइबो सोम एंड सेंट्रियोल वेरी गुड बेटा तो एक बेटा सवाल कभी कभी आ जाता है विद वन मेंबरेन टू मेमरेन एंड नो मेम्रेन क्रोमैटिन कंटेंस ओनली डीएनए बात सही है गलत है क्रोमैटिन कंटेंस ओनली डीएनए बेटा साढ़े दस ज्यादा क्लास नहीं लेंगे क्रोमैटिन कंटेंस ओनली डीएनए बात सही है क्रोमैटिन कंटेंस ओनली डीएनए राइट आर रॉन्ग क्रोमैटिन में केवल डीएनए होता है यह बात सही है गलत है right रॉन्ग फॉल्स क्योंकि बेटा क्रोमैटिन में डीएनए होता है चालीस परसेंट पचास परसेंट नाम हिस्टोन 8.5% पॉइंट फाइव परसेंट आर एन 1.2 परसेंट चलिए अब जरा बताइए क्या होता है क्या होता है 10 टू 50 नैनोमीटर बच्चे लोग लगता है थक गए क्या लिखते लिखते अंगुली दर्द हो गई भाई बच्चों थोड़ी देर और टेन टू फिफ्टीन एन एम क्या है भाई यस yes, संशिका गुप्ता सावस तुम तो छा गए भाई पूजा प्रजापति प्रफुल्ल दीक्षित अदिति तिवारी लड़के लोगों का जवाब नहीं आ रहा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस यस yes, पेरी न्यूक्लियर स्पेस ठीक व्हाट इज कॉमन पॉइंट इन ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड कैसे एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड कैसे एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड एंड स्पार्टिक एसिड यस एच डी एसिड सेलुलोज आयोडीन को होल्ड कर लेता है यह बात सही है गलत है सेलुलोज आयोडीन को होल्ड कर लेता है यह बात सही है गलत है चला दो भैया गलत है वेरी गुड गलत है क्योंकि स्टार्च करता है चलिए मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर हिमोग्लाबिन कैसा भाई कैसा है हीमोग्लाबिन बच्चा लोग हीमोग्लाबिन कैसा भाई हीमोग्लाबिन हीमोग्लाबिन कैसा है यह संसिका गुप्ता क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ठीक है क्लास एंजाइम दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप विद लिविंग डबल बॉन्ड क्लास एफ एंजाइम ट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप विद लिविंग डबल बॉन्ड फिर से सुन लीजिए क्लास एम ए क्लास ऑफ एम दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप विद लिविंग डबल बॉन्ड यस लाइएजेज बेटा कंप्टिटिव इनहिबिटर के एम वैल्यू को बढ़ाएंगे घटाएंगे कंप्टिव इनिबिटर के एम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे कॉम्पटेटिव इनिबिटर के एम वैल्यू को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे कंपटिटिव इनहिबिटर के एम वैल्यू अरे भाई इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम की हाफ हो जाती है राइट right? तो इनिबिटर क्या करेंगे रोकेंगे ना तो केम वैल्यू बढ़ जाएगी प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम प्रोस्टिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड आर लूजली बाउंड प्रोस्टिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड आर लूजली बाउंड टाइटली 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 कोई जाइम होता लूजली एनएडी एंड एनएडीपी कंटेन विटामिन एनएडी एंड एनएडीपी कंटेन विटामिन एन एडी एन में कौन सी विटामिन पाई जाती है बेटा केवल दो घंटे बायो को दे दो बस यस दैट इज द नियासिन ठीक है आज का अगला सवाल है हीम इज प्रोस्टिक ग्रुप ऑफ हीम इज ही ग्रुप ऑफ हीम इज प्रोस्टिक ग्रुप ऑफ हीम हीम प्रोस्टिक ग्रुप ऑफ यस वेरी गुड वेरी गुड हीम गलत कर दिया डॉक्टर देव कैटलेज एंड पराक्सीडेज आदित्य सृष्टि ने बिल्कुल सही बनाया बताया हीम ही प्रोस्टिक ग्रुप ऑफ कैटलेज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अच्छा बेटा ये सवाल थोड़ा सा समझ लो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है देखो जरा ध्यान से एस फेज में डीएनए बनता है इसमें कोई दो राय नहीं है और बेटा जीवन फेज में डीएनए को बनाने वाले प्रोटीन बनते हैं और मोस्ट ऑफ द सेलार बनते हैं और एस फेज में इसके साथ सेंट्रियोल भी बनता है क्यों बनता है क्योंकि एस फेज में डीएनए बन गया तो आगे डिवीजन होना है और याद रखिएगा बेटा जी फेज में बनेगा आपका क्लोरोप्लास्ट एंड माइटो बनेगा जी टू फेज में बनेगा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटो याद रखिएगा अच्छे से क्लोरोप्लास्ट माइटो कांडिया जी टू फेज में क्यों बनेगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट माइटोकंडिया में डीएनए पाया जाता है और डीएनए जब बन जाएगा तभी तो जाएगा तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द सेल आर्गने जिनमें डीएनए नहीं होता है मोस्ट ऑफ द सेल आर्गेल्स जिनमें डीएनए नहीं होता है जीवन में और डीएनए को बनाने वाले प्रोटीन जीवन में डीएनए में बनेगा डीएनए बनेगा एस फेज में इसके साथ बनेगा सेंट्रियोल क्योंकि एस फेज में डीएनए बन गया तो आगे डिवीजन होना ही है आगे बच्चा याद रखिएगा जी टू फेज में वो सेल आर्गने बनेंगे जिनमें पाया जाएगा डीएनए दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकांडिया तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है ना और जीवन जी जीरो फेज ये सारी चीजें क्लियर करेंगे आपको चिंता मत करना मेरे प्यारे बच्चों चलिए हां आगे का सवाल न्यूक्लियोलस गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंडो रेटिकुलम सेल डिवीजन के किस फेज में बनते हैं न्यूक्लियोलस गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंडो रेटिकुलम सेल डिवीजन के किस फेज में बनते हैं सेल डिवीजन पूछ रहे हैं यह स्टीलोफेज अप्रोफेज स्टीलोफेज जस्ट रिवर्स होते हैं कहां पर होता है बेटा टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा कियाजमा का टर्मिनलाइजेशन कहां होता है स डाईकाइनेसिस वेरी गुड पोरीन आर एग्जाम्पल ऑफ फिश ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पोरिन आपने ट्रांसपोर्ट में पढ़ा है पोरिन आर एग्जाम्पल ऑफ फिश ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फोरिन इज एग्जाम्पल ऑफ फिश ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यस yes, फेसिलिटेटेड बहुत अच्छा है एन ए प्लस के प्लस एटीवेज पंप आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एर पैसिव सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एर पैसिव एक्टिव आर पैसिव एन ए प्लस के प्लस एटीपेज यस एक्टिव आर पैसिव यस वेरी गुड बेटा एक्टिव बंडल सीथ में कौन सा कार्बोक्सिलेज एबसेंट होता है बंडल सीथ में कौन सा कार्बोक्सिलेज एबसेंट होता है फ्विच कार्बोक्सिलेज इज एबसेंट इन बंडल सीथ यस पेपकेज बेटा अगर बेटा कोई कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और 10 मोल CO2 यूटिलाइज हो रहा है और 20 मोल O2 रिलीज टेन मोल CO2 रिलीज हो रहा है ट्वेंटी मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है टेन मोल CO2 रिलीज हो रहा है और 20 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो इसका आरक्यू बताइए वॉट विल विद आरक्यू पॉइंट फाइव और आपके हिसाब से ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होना क्या चाहिए आपके हिसाब से ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होना क्या चाहिए आप सभी फ्यूचर डॉक्टर के हिसाब से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये क्या होना चाहिए ग्लूकोज कहां से हो जाएगा रवि ग्लूकोज कारक्यू कितना होता है कार्बोहाइड्रेट का वन होता है यह yes, स्फेट होना चाहिए है ना लेस देन वन मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर हाँ जी ए थ्री भी है बेटा है और इथाइलिन भी है इथाइलिन ज्यादा होगा जी ए थ्री भी होगा इथाइलिन। अगला सवाल है वोलेटाइल हार्मोन इज वोलेटाइल हार्मोन इज कौन सा हार्मोन है बेटा जो वोलेटाइल होता है वोलेटाइल हार्मोन इज यस इथाइलिन चलिए तो बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तीनों में डीएनए होंगे नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बेटा सेंट्रियोल जिसका डुप्लीकेशन एस फेज में होगा क्रोमैटिन बेटा जिसमें केवल डीएनए होता है क्रोमैटिन में केवल डीएनए नहीं होता क्रोमैटिन में डीएनए 40% हिस्टोन 50% नॉन हिस्टोन 8.5% आरएनए 1.2% पेरी न्यूक्लियर स्पेस का डिस्टेंस होगा 10 टू 15 नैनोमीटर

लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिग्माइड ग्रोथ कर्ब होती है बात सही है गलत है यस yes, ट्रू और बेटा मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर एग्रीकल्चर में इथाइलीन है वोलेटाइल हार्मोन बेटा इथाइलीन है वैसे तो सभी पीजीआर यूज होते हैं बहुत ध्यान से आ, याद कर लीजिएगा बेटा आप बेटा बताइए फाइलेरियल वर्म राउंड वर्म हुक वर्म डाइसियस आर मोनोइसियस फाइलेरियल वर्म राउंड वर्म एंड हुक वर्म डाइसियस आर मोनोइसियस जल्दी से बताइए यस डाइस यस आस्मार्टिक बैलेंस ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय आस्माटिक बैलेंस ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय एमिनो एसिड यस अमरेन बिल्कुल सही बेटा एल्बुमिन रेप्टाइल बर्ड्स और लैंड स्नेल क्या चीज एक्सिट करते हैं रेप्टाइल बर्ड एंड लैंड स्नेल रेप्टाइल बर्ड लैंड स्नेल क्या चीज एक्सट्रीट करते हैं रेप्टाइल बर्ड एंड लैंड स्नेल यस यूरिक एसिड जिनाइटल हर्पीज एड्स हिपेटाइटिस बी भी कैसी बीमारी है जिनाइटल हर्पीज एड्स और हिपेटाइटिस बी भी कैसी बीमारी है यस नॉन क्यूरेबल कहां पाया जाता है रिसनर्स मेम्ब्रेन कहां पाया जाता है रिसनर्स मेम्ब्रेन कॉकलिया बेटा इस चैनल पे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की तो लास्ट के बेटा पांच टेस्ट हो रहे हैं उसको जरूर ज्वाइन कर ले बहुत फायदा हो जाएगा क्योंकि सब कुछ देख के हम लोग कर रहे हैं ये काम यस कॉकलिया आज का बेटा अगला सवाल है लेबियल पेल्प एनल सरकाई सेंसरी आर्गन किस में पाए जाते हैं लेबियल पेल्प एनल सरकाई सेंसरी आर्गन किस में पाए जाते हैं लेबियल पेल्प एनल सरकाई यस काकरोच में पाए जाते हैं ठीक है अब जरा बताइए आई ऑफ मैमेल आई ऑफ ऑक्टोपस आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस आर होमोलोगस आई ऑफ मैमिल आई ऑफ आकटोपस टेस्ट कहां होता है ज्ञानदीप चौरसिया बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ लेना न्यूलाइट ऐप पे भी होता है और यूपी में कई जगह ऑफलाइन होता है बेटा यस यस एडालोगपांटेनियस जनरेशन थियरी वाज फाइनली डिस्प्रूव बाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी वाज फाइनली डिस्प्रूव बाई लुइस पासर टेम्परेचर ऑफ इट सॉन्टी टू अगर बेटा हम लोग डीएनए को कट करेंगे डीएनए मालिक्यूल को हंड्रेड रेस्ट्रिक्शन साइट में तो आपको बताना है कि कितने डीएनए के फ्रेगमेंट जनरेट होंगे अगर हम लोग डीएनए को कट करते हैं हंड्रेड रेस्ट्रिक्शन साइट पे तो डीएनए के फ्रेगमेंट कितने जनरेट होंगे यस वन जीरो वन क्या बात है भाई फोड़ दिया तुम लोगों ने ठीक है तो ये होगा बेटा नंबर ऑफ फ्रेगमेंट जनरेटेड नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट प्लस वन तो बेटा फाइलेरियन वर्म राउंड वर्म हुक वर्म डाइसियस आस्माटिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय एल्बुमीन यूरिकोटालिक एक्सन बाई रेप्टाइल बर्ड्स एंड रेप्टाइल बर्ड्स एंड लैंड स्नेल नॉन क्यूरेबल एस टी डी जिनाइटल हर्पीज एड्स एंड हिपेटाइटिस बी चैम्बर हार्ट थीकेस्ट वाल इज लेफ्ट वेंटिकल कॉकलिया इज प्रेजेंट ऑन विच मेम्ब्रेन रिसनर मेम्ब्रेन एंटीना आई मैक्सिलरी पैल्प लेबियल पैल्प एनल सरकाई सेंसरी आर्गन काक्रोच आई ऑफ मैमल एंड आई ऑफ ऑक्टोपस आर एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी वाज फाइनली डिस्प्रूव बाय लुईस पाश्चर टेम्परेचर ऑफ हीट साक 42 डिग्री हम लोग डीएनए को जितने रेस्ट्रिक्शन साइट पे काटेंगे डीएनए के मॉलिक्यूल उससे एक ज्यादा बनेंगे ठीक है तो बच्चों कैसा लगा ये राउंड गुड हाउ वाज दिस राउंड मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बता दो ये राउंड कैसा लगा और मेरे पास टाइम है सिर्फ आधे घंटे का आपके लिए गलत बोल रहे हैं आपके पास मेरे घंटे मेरे लिए टाइम है सिर्फ आधे घंटे का ना चलिए कैसा लगा ये राउंड और कल टेस्ट कोई नहीं छोड़ना भाई कल थोड़ी सी गलती हो रही है पेपर में थोड़ा करेक्शन है अच्छे से सीट मिल जाएगी देख लेना यस काजल मजा आ गया अरबिया कोयाम गजब, गजब गजब चलो बाद में बता देना भाई चलिए अब जरा बताना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम में होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम में पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम हाँ बेटा कल तीन बजे है तीन बजे वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाटर वेस्कुलर सिस्टम है बेटा कहां पर मेरे प्यारे बच्चों वाटर वेस्कुलर सिस्टम है बच्चा लोग इकाइनो डरमेटा में और कैनाल सिस्टम होता पूरी फेरा में स्पाइनी इस स्किन एनिमल उसको बोलते हैं ठीक है अब जरा बताओ भाई किसमें लिम मॉडिफाइड हो जाता है विंग में अब तुम कहोगे सर ऐसे हलुआ सवाल पूछेंगे भैया क्या करें ऐसे ही हलुआ सवाल आएगा लिम आर मॉडिफाइड इन टू विंग एंड माउथ डू नॉट हैव टीथ और एयर ब्लैडर प्रेजेंट चलो एयर ब्लैडर प्रेजेंट है लिम मॉडिफाइड हो रहा है विंग में एयर ब्लैडर प्रेजेंट है माउथ में टीथ नहीं है तो जरा ग्रुप बताओ ग्रुप बता दो अरे नालायकों बर्ड्स कहां से होगा बेवकूफ एयर ब्लैडर नहीं होता एयर सैक होता है सबने बर्ड्स बर्ड्स लगा दिया हे भगवान एयर सैक होता बर्ड में गुगली हो गई सारी लिखो सब लोग टाइप करो हाँ चलो पकड़ लिया था परवेज जेबा लेकिन तुम क्लास में कभी कभी आती हो ही रेगुलर हो ये बात गलत है भाई अच्छा नॉर्मल फेस से गुगली करते हैं ठीक है भैया चलो आज का अगला सवाल है और इंथो रिंकसोवी पैरस वीवी पैरस जल्दी से करो एक ले इंथो रिंक सोवी पैरस वीवी पैरस थो रिंकस पैरास जल्दी बता दो बोल्ड। याद रखिएगा एक बात बहुत ध्यान से गलती मत करिएगा ऐसे है बेटा फिश फिश के बाद बेटा एम्फीबिया एम्फीबिया के बाद बेटा रेप्टाइल रेप्टाइल के बाद बेटा बर्ड और बर्ड के बाद बेटा, बेटा मैमिल ये तो बात है यूलूसन की लेकिन ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा फिश के के बाद एंफीबियंस, राइट? एंफीबियंस के बाद एम्फीबियंस एम्फीबियंस राइट रेप्टाइल रेप्टाइल और बेटा ने दोनों को पैदा किया बर्ड्स और मैमल याद रखिएगा राइट तो इसीलिए बेटा याद रखिएगा कि ये जो प्रिमिटिव मैमल है रेप्टाइल से करेक्टर शो करते हैं और बर्ड्स को बेटा बोलते हैं ग्लोरीफाइड रेप्टाइल इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुंदर सुंदर डॉक्टर बनने वाले बच्चों अच्छे से याद रख लो कि रेप्टाइल बेटा बाई फर्केट हुआ था बर्ड्स और मैमल में वैसे हम लोग बताते हैं फीसेज एम्फीबियंस रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल राइट लेकिन रेप्टाइल से बेटा ये डाइवर्ट दो पार्ट हो गया तो ओवी पैरस होता है बेटा आपका और इंथोरिंकस ये बेटा करेक्टर आपका हो गया रेप्टाइल का अब जरा बताइए कहां मिलेगा प्वाइजन स्टिंग प्वाइजन स्टिंग प्रेजेंट इन जल्दी से बताइए वेयर यू विल गेट प्वाइजन स्टिंग यस परवेज साबस फेरे बच्चे ट्राइगन अब जरा बताओ मेज और सुगर केन में कैसी होती है रूट रूट इन मेज एंड सुगर केन अगर आपको याद है अगर आप नीट फोड़ने वाले हैं तो आपको क्लास में बहुत मजा आ रहा होगा और नहीं तो भाई कोई बात ही नहीं क्या होगा भाई स्लीट रूट वेरी गुड आज का बेटा अगला सवाल है रूट हेयर डेवलप फ्रॉम रूट हेयर कहां से डेवलप होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रूट हेयर डेवलप फ्रॉम रूट हेयर डेवलप फ्रॉम किस जोन से बनते हैं रूट हेयर यस कविता सरोज मैचोरेशन जोन बिल्कुल सही बात क्योंकि जब हम मैच्योर होंगे तभी तो काम करेगा रूट रूट हेयर के बिना क्या काम करेगा भाई तो जोन ऑफ मैच्योरेशन वेरी गुड अब बेटा आपको बताना है अम्बिलेट क्लस्टर टाइप ऑफ इंफ्लोर प्रेजेंट इन फैमिली अम्बिलेट क्लस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोस अम्बिलेट अम्बिलेट क्लस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरिस और बेटा अगर आप लोग चाहते हो कि रोज एक तारीख से ढाई घंटे की क्लास हो जाए तो आज कमेंट में सारे बच्चे कमेंट कर देंगे और गूगल फॉर्म भर देंगे एक से दस तक अगर चाहते हो कि ढाई घंटे क्लास रोज हो जाए तो आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यस yes, एसी वेरी गुड बच्चों चलिए आज का अगला सवाल है सब्सियरी सेल्स आर मॉडिफाइड फार्मियरी सेल्स आर मॉडिफाइड फार्मियरी सेल्स आर मॉडिफाइड फार्म बच्चों बता दो जल्दी से वेरी गुड अंशिका साबस बेटा बिल्कुल सेलेक्ट होने जा रहे हो तुम लोग बहुत अच्छा बहुत रेगुलर हो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो बेटा परवेज जी बगुड ज्ञानेंद्र बहुत अच्छा डॉक्टर आसतोष बिल्कुल अच्छा डॉक्टर देव का तो जवाब ही नहीं झारखंड जिंदाबाद वेरी गुड ईपी सेल चलिए अब आपको बताना है पाली आर कंडीशन जाइलम इज मोर देन सिक्स विच रूट पाली आर कंडीशन जाइलम मोर देन सिक्स इन विच रूट कंडीशन जाइलम इज़ मोर देन सिक्स। कौन सा रूट होगा यस मोनोकार्ट रूट अरे भैया मोनोकार्ट को ज्यादा काम करना है जल्दी से लाइफ साइकिल पूरी करनी है सी थ्री सी फोर दोनों से खाना बनाएगा एनर्जी ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन कम करेगा स्टोमेटा दोनों तरफ ज्यादा सीओ टू के लिए रूट में जाइलम ज्यादा अब मोनोकार्ड स्टम में वैस्कुल बंडल बहुत ज्यादा और ज्यादा पानी सप्लाई करने के लिए पैरल वेनेशन और वेन भी बेटा क्या हो जाएगा बहुत मोटी मोटी वेन्स हो जाएंगी ठीक है ना अब आपको बताना है डाई कार्ट में हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है इन कार्ट हाइपोडर्मिस इज मेडअप ऑफ इन डाई कार्ट प्लांट हाइपोडर्मिस इज मेडअप ऑफ डाई कार्ट प्लांट में हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है बच्चा लोग कोलन काइमा सुषमा चौधरी खलीलाबाद जिंदाबाद सोनाली चौधरी कलकत्ता कहाँ की हो भाई तुम सोनाली चौधरी कलकत्ता की हो क्या परवेज जेबा दिल्ली अच्छा भाई ठीक है अब बेटा ये फार्मूला मेरा नोट कर लेना डी सी एम एस आर पी तो डाई काट में ईपी डरमिस के नीचे कोलेन काइमा मोनो काट में ई पी के नीचे स्क्रन और रूट में ईपी डरमिस के नीचे पैरन अगर आपसे पूछा जाए कि ईपी के नीचे की वाल को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करोगे डाई कार्ड है कि मोनोकारट तो बेटा ईपी के नीचे कोलेन कायमा तो डाई काट स्क्रयनोकारट तो लेकिन याद रखिएगा रूट में बेटा हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते रूट में जाइलम देखना पड़ेगा राइट रूट में जाइलम देखना पड़ेगा अच्छा भैया एक और सवाल है अगर ईपी के नीचे आपको बैग लाइक वेलामेन सेल दिखाई दे दे वेलामेन हालांकि एनसीआरटी में नहीं है लेकिन जान लो ईपी फाइट क्योंकि हर बार बेटा इस तरह से एक आज सवाल कभी ना कभी पूछ लेते हैं ना वेलामेंट टिश्यू वेलामेट टिश्यू कहां होगा वेलामेन टिश्यू वेलामेन आर्किड में होगा बेटा आर्किड में इपीफाइट होता है ना तो बैग लाइक स्ट्रक्चर है बेटा इसमें मॉइस्चर को एब्जर्व कर लेता ईपीफाइट अब इस वेलामेन टिश्यू के नीचे बेटा जो सेल होती है ना इस सेल को बेटा बोलते हैं एक्सोडर्मिस एक और नाम याद कर लो एक्सोडर्मिस राइट अब अगर पूछा जाए पैसे सेल कहां होते हैं तो बेटा पैसे सेल एक्सोडर्मिस एंडोडर्मिस दोनों में पाए जाते हैं एक्सोडर्मिस में में भी होंगे, एंडोडर्मिस में होंगे, एंडोडर्मिस टिश्यू के नीचे एक्सोडर्मिस। आज का अगला सवाल है बेटा वो कौन सी लीफ है जिसमें मीजोफिल और स्पंजी में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता स्पंजी में डिफरेंशिएशन नहीं होगा किसमें स्पंजी में किसमें नहीं होगा भाई अरे भाई आयुषी मौर्य डाई काट में नहीं डाई काट में तो डिफरेंशिएशन होगा डाई काट में स्टोमेटा एक तरफ होगा और जहां बेटा स्टोमेटा होगा गैस को पास करने के लिए स्पंजी पैरेंकाइमा और स्टोमेटा से पैरेंकाइमा तो पहली से डिस्पंजी का डिफ्रेंसिएशन होता है डाई कार्ट में मोनोकार्ट में नहीं होता बच्चा गलती मत कर देना ठीक है ना आज का बेटा अगला सवाल है वट इज द फंक्शन ऑफ बूली फार्म सेल एंड वेयर इट इज प्रेजेंट बूली फार्म सेल कहां पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है जल्दी से बता दीजिए कहां होते हैं बूली फार्म सेल क्या होता है इनका फंक्शन बुली फार्म सेल वेरी गुड ज्योति सावस बेटा जीते रहो ऐसी प्रकाश को भी तुम चलिए आज का अगला सवाल है एंडोथेलियम आप ब्लड वेसल है टाइप नहीं कराएंगे एंडोथिलियम आप ब्लड है, थीलियम। एंडो थीलियम ब्लड वेसल हैव सिंपल स्क्वास इपीथिलियम ये बात सही है कि गलत है यस इट इज ट्रू चलिए गॉबलेट सेल यूनिसेलर है कि मल्टीसेलर गॉबलेट सेल तो आपको पता है यूनिसेलर अब बताना टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर आर नॉट टेंडन लिगामेंट डेंस रेगुलर होते हैं कि नहीं टेंडन एंड लिगामेंट लिगामेंट कोहेसिव बोन टू बोन टेंडनसिव मसिल टू बोन आर बोन टू मसिल डेंस रेगुलर होते हैं भाई साहब इंटर कलेक्टेड डिस्क आर प्रेजेंटेड इंटरकलेटेड डिस्क कहा होगा यस कार्डियक मसिल फाट मेक्स मोर देन वन हाफ ऑफ द वैल्यूम ऑफ न्यूरोन मोर दे वैल्यूम ऑफ न्यूरान वेरी गुड बच्चों साबास बेटा सब तुम लोगों को याद एकदम चिंता मत करो आराम से दो किलो खा के चदर चान के सोया करो अब नींद बहुत बढ़िया लो और 12 तारीख को दिमाग अच्छे से काम करा लो चलिए कौन सा स्ट्रक्चर बनता है बाई एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम एंड एम आर एन ए बाई एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम एंड एम आर एन ए राइबोसोम और एम के एसोसिएशन से क्या बनता है बाई राइबोसोम एंड एम आर एन एस पॉली सोम और पॉली राइबोसोम चलिए अब आपको बताना मिडिल लेमिला इज मेडअप ऑफ मिडिल लेमिला इज मेडअप ऑफ मिडिल लेमिला इज मेडअप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं इसीलिए बेटा इनकी डेफिशिय का सिम्टम पहले अपियर होगा यंगर लीफ में क्योंकि जल्दी वहां से निकल के जाएंगे नहीं अब जरा बताइए कौन सेल आर्नेल्स है जो दे, देखो ध्यान से सेल प्लेट का फार्मेशन करेगा फार्मेशन ऑफ सेल प्लेट फार्मेशन ऑफ सेल वाल फार्मेशन ऑफ एक्रोसोम जो स्पर्म के ऊपर होता है एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन चलिए एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सेलवाल का फॉर्मेशन सेल प्लेट का फॉर्मेशन यस गोल्जी बॉडी कैमिलियो गाल्गी ने खोजा था अब आपको बताना है कि वाई देयर इज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बिटवीन गोल्जी बॉडी एंड एंडो प्लानिकुलम और दोनों पास पास क्यों होते हैं गोल्जी बॉडी एंडोप्राइम रेडिकुलम दोनों पास पास क्यों होते हैं और इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी क्यों होती है और ये भी न्यूक्लियस के पास क्यों होते हैं हाँ क्रिस्टी नहीं होता दोनों में सिस्टर्नी वेसाइकिल टिब्यूल होता है सिस्टर्नी वेसाइकिल टिब्यूल और प्रोटीन बनता है प्रोटीन बनता है एंड्रोप्राइम रेडिकुलम के सर्फेस पे मॉडिफिकेशन होगा गोल्जी बॉडी में मैसेज आएगा न्यूक्लियस से तो अगर ये दोनों दूर दूर कारखाने हो जाएंगे तो जाने में दिक्कत होगी इसलिए भगवान ने दोनों को पास बनाया याद रखिएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के लिए सरफेस एरिया देगा प्रोटीन बनाएगा गॉल्जी बॉडी तो गॉल्जी बॉडी बेटा प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करेगा जो प्रोटीन बना उसको ग्लाइको प्रोटीन लाइको प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा गॉल्जी बॉडी ठीक है ना कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इज नोन एज र ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिलार ऑफ सिलिया एंड दैट इज कॉल्ड एज फेयर एक्र यूल प्लस जीरो अरेंजमेंट एक भी सवाल आपको पूरा हमारा रैपिड फायर देख लेना मनीष सर का भी देख लेना अगर कोई सवाल बाहर आए तो देख लेना और डायग्राम की प्रैक्टिस ऑलरेडी जो बचा हुआ था बेटा उसको संगम सर करवा रहे हैं वेयर यू विल गेट नाइन प्लस जीरो अरेंजमेंट नाइन प्लस जीरो नाइन प्लस जीरो येंट्रियोल चलिए एक्टिवली राइबोसोमल आर एन ए सेंसिस टेक्स प्लेस एक्टिवली राइबोसोमल आरएनए सेंसिस कहां होती है एक्टिवली राइबोसोमल आर एन एस एंथिस न्यूक्लियोलस वेरी गुड क्रोमोसोम हैव टर्मिनल सेंट्रोमियर इज कॉल्डेस क्रोमोसोम हैव टर्मिनल सेंट्रोमियर इज कॉल्डेस टर्मिनल सेंट्रोमियर टर्मिनल सेंट्रोमियर यस टीलोसेंट्रिक आंसी का वेरी गुड बेटा बहुत अच्छा अच्छा बेटा अब आप लोग थोड़ा रिक्वेस्ट करो तो एक बार बोल दें सारा एक बार बोलने बताओ जल्दी एक बार बोल दिया जाए अरे यार रिक्वेस्ट करो ऐसे थोड़ी बोल देंगे ऐसे ही डॉक्टर बनना चाह रहे हो बिना मेहनत के बिना मेहनत के डॉक्टर बनोगे भैया एक बार रिक्वेस्ट करो कायदे से तब बोलेंगे भाई तुम तो डॉक्टर बन के चले जाओगे हमको तो पूछोगे नहीं भाई यस सर प्लीज बोल दीजिए कुमित सविता अच्छा बोलो सर जी ऐसे थोड़ी बोला जाता भाई नहीं भाई अंकित वर्मा यस सर प्लीज, प्लीज 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 और थोड़ी सी रिक्वेस्ट करो क्या सर प्लीज बोल दीजिए कुछ हमारा उधार क्या भैया क्या बोल रहे हो भाई देखें जरा पढ़े से क्या लिखा प्लीज सर बोल दीजिए कुछ हमारा अच्छा कुछ हमारा उद्धार कीजिए आयुषी पूरा ही उद्धार होगा बेटा हमने कहा उधार ले लिया कुछ चलिए सुनो भाई हाँ तो बच्चों देखो वाटर वेस्टुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन दिकाइड बेटा ए बंद कर दो भैया प्रोटोकार्डेट एक्सक्लूसिवी होते हैं लिम्स मॉडिफाइड होता, होता है ट्राइगन में पाए जाते हैं रूट हेयर जोन आप मैच्योरेशन पे बनते हैं क्योंकि जब मैच्योर होगा तभी बेटा रूट हेयर बने तभी आ, वाटर एबजार्व करेंगे पामेटली कंपाउंड लिफ सिल्क कार्टन में है कई बार पूछा गया याद कर लेना पेराइटल प्रेसेंटेशन मस्टर्ड हरजीबोन में है

बंडल सीथ और स्पंजी में मोनोकार्ट में डाई कार्ड में डिफ्रेंटेड होगा गॉबलेट सेल यूनिसेर होगा और ग्रूनसैंड मल्टीसेर होगा टेंडन लिगामेंट डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क हार्ट में पाए जाते हैं न्यूरोग्लिया में मोर देन वन हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूर पालीसोम राइबोसोम इबोसोम के बने होते हैं मिडिल एमला कैल्सियम मैग्नीशियम पेक्टेट का है, बनाता है।, कोर फ्लेजला है। जीरो होगा। में होगा। और क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर आपको अच्छे से पता है कि अगर ये टर्मिनल लोकेशन पर होगा तब इसको बेटा बोलेंगे हम लोग टीलोसेंट्रिक तो कैसा गया ये राउंड जरा फटाफट टाइप कर दीजिए ये राउंड कैसा रहा भाई भगवान को कभी कोई भूलता है क्या भला अच्छा मिश्रा सर सिंह सर अच्छा चलिए कैसा लगा बेटा राउंड जल्दी टाइप करो बहुत अच्छा विकास गजब हिमांशु फ्यूचर डॉक्टर नितेश गजब मस्त हमारा तो बेटा यही होता है नीट के पहले वाला टाइम साल भर हमारा टाइम नहीं होता भाई अली अवे जी गजब जी चलो भाई गजब जी तो गजब जी कमेंट करके बताना बाद में चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर सुनिए आप भूल जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा मिलने भी जरूर आएंगे जब जब आप बुलाएंगे थैंक यू वीडियो बनाने के लिए बुलाएंगे भाई हाँ यस फैन ऑफ फैन ऑफ किंग कोहली कॉन्सियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म चलिए ऑर्डर ऑफ मस्का डोमेस्टिका फटाफट फटाफट आर्गन ऑफ मस्का डोमेस्टिका आर्गन ऑफ मस्का डोमेस्टिका यस डिप्टेरा देखिए सब आपको याद है सब तो याद है परेशान क्यों हो रहे हो बहुत सारे बच्चे करे सब कुछ भूल रहा है हाउ मैनी किंगडम है बाटू ट्रॉपिक आर्गेनिजम इन फाइव किंगडम फाइव किंगडम में कितने ऐसे किंगडम है जिसमें ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है फाइव किंगडम में कितने ऐसे किंगडम है आपको सोचना ना पड़े चार एक दो तीन एक दो तीन चार पांच सभी बोल दो क्या दिक्कत है यस इट विल बी थ्री 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 मोनेरा में भी ऑटोट्रॉपिक है साइनोबैक्टीरिया प्रोटिस्टा में क्लोरेला और प्लांटी तो है ही है तो पांच किंगडम जो विटेकर ने दिया था उसमें तीन में बेटा आटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम पाए जाते हैं स्पेशलाइज सेल मिंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल इनिग्मा स्पेशलाइज सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल इनिग्मा हेट्रोसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल स्ट्रक्चर ठीक है आज का अगला सवाल है बच्चों डायटोमेसियस अर्थ इज ड्यू टू डिविजन ऑफ ये भी याद रख लो बेटा डिवीजन से होगा डायटोमेसियस अर्थ इज ड्यू टू डिवीजन ऑफ फटाफट डायटोमेसियस अर्थ इज ड्यू टू डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ यस डायटम्स बेसिलेरी गोल्डन एलगी किससे होता है रेड टाइड बेटा जल्दी बता दो रेड टाइड जल्दी से रेड टाइड रेड टाइड टाइप करो रेड टाइड रेड टाइड यस द्विज द्विवेदी बिल्कुल सही बेटा गायनोलिक्स पेलिकिल प्रेजेंट इन यूग्लिन बात सही है गलत है युगलिनयड में पेलिकिल पाए जाती है बात सही है गलत है जल्दी जल्दी बताओ भाई यूग्लिन में पेलिकिल पाए जाते हैं यह बात सही है कि गलत है युगलिनय में पेलिकिल यस ट्रू पेल्किल एंड पैरामाइलम बॉडी आज का अगला सवाल है अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइन मोल्ड एग्रीगेट एंड फार्म अंडर सुटेबिल कंडीशन स्लाइन मोल्ड एग्रीगेट एंड फार्मेजमोडियम फार्ट इंड्यूज द कंप्लीसन ऑफ सेकेंड म्योटिक डिविजन ऑफ ओबम ओबम के सेकेंड मियाटी डिवीजन को इंड्यूज कौन सा क्या करता है ओबम में सेकेंड मियाटी डिवीजन को इंड्यूज करने वाला कौन सा इवेंट होता है ओबम में सेकेंड मियाटी डिवीजन को इंड्यूज करने वाला क्या चीज होती है ज्योति बेटा तुमने अंधेरा कर दिया ओबम ओबम तो इंड्यूज होता ही नहीं है इंड्यूज होता सेकेंडरी उब सबने गलत लिख दिया सेकेंडरी उइट सेकेंडरी उपर्म सेकेंडरी उसाइड को इंड्यूज करता है नाट ओबम खुशी होतवानी गड़बड़ कर दिया काजल तिवारी स्पर्म जाता है तब नालाय इट इज नॉट सेकेंडरी इट इज नॉट ओबम इट इज सेकेंडरी साइड यस एल्बर्ट आइंस्टीन अवीनिस ऐसे ही करो क्या तुम लोग हां गुगली हो गई भाई बहुत अच्छी सी चलिए आगे चलते हैं दो ग्रुप बताइए फंजाई का जिसमें पाया जाता है डाई टू ग्रुप ऑफ फंजाई फेयर डाई कैरियो इज प्रेजेंट ओ नो ओ नो गड़बड़ हो गया यूट्यूब हमारा हो गया डाई कैरियोफेज यस एक होता है बेटा डिप्लोफेज डाई कैरियोफेज डाई कैरियोफेज होता एन प्लस एन ठीक फंजाई एक्सटेंसिवली यूज इन बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक रिसर्च जल्दी बता दीजिए कौन सा फंजाई है जो जेनेटिक रिसर्च में यूज होता है जल्दी बता दीजिए हां नया न्यूरोस्पोरा इस्ट एस्कोबोलस एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टीरस प्लांट इज फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वर्ड सही है गलत है एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट इज विन प्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वर्ड बात सही है गलत है ट्रू और बेटा ये पौधे ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट कैप्चर करते हैं फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइक फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड एज यस माइकोबायांट अब आपको बताना है कि जिस एलगी से अगर निकालते हैं उसमें क्लोरोफिल ए होता है कि क्लोरोफिल सी होता है जिस एलगी से अगर अगर निकालते हैं उसमें क्लोरोफिल ए होता है कि क्लोरोफिल सी होता है जिससे निकालते हैं अगर अगर क्लोरोफिल ए होता है कि क्लोरोफिल सी होता है एसी की ए डी ए सी होता है कि ए डी होता है अगर अगर जिससे निकालते हैं उसमें बेटा ए सी होता है कि ए डी होता है एसी और एडी यस रेड एलगी है बेटा तो ए और डी और डीपेस रोइंग एलगी है और मोटाइल स्पोर टोटली एबसेंट होते हैं जरा एक कोलोनियल ग्रीन एलगी ग्री का नाम लिख दीजिए कोलोनियल ग्रीन एलगी कोलोनियल ग्रीन एलगी बच्चों कोलोनियल ग्रीन एलगी यस कोलोनियल ग्रीन एलगी वालवॉक्स आप बताइए फ्यूकोजेंथिन किस एलगी में होता है फ्यूकोजेंथिन इज प्रेजेंट इन विच एलगी किसमें बेटा पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन फ्यूकोजैंथिन यस yes, कासिफा कादरी बिल्कुल सही बेटा ब्राउन एलगी ठीक है ना अब बेटा आगे का सवाल आपको बताना है किसमें होगा फ्लोरिडियन स्टार्च फ्लोरिडियन स्टार्च कहां होगा बेटा रेड एलगी वेरी गुड डिपे रोइंग एलगी है फॉर ट्रांसिपमेंट ऑफ लिविंग मेटेरियल फिश प्लांट इज यूज फॉर ट्रांसिपमेंट ऑफ लिविंग मेटेरियल विच ऑर्गेनिजम विच प्लांट इज यूज ट्रांसिपमेंट में किसको यूज करते हैं बच्चों स्पेगनम पीट मास बाग मास बोलते हैं वैसे तो बेटा ब्रायोफाइट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है लेकिन यही इज्जत को बचाता है तो जेमा बेटा मार्केसिया में पाया जाता है ये सेक्सुअल होता है कि ए सेक्सुअल जेमा बेटा होता है मार्केसिया में सेक्सुअल की ए सेक्सुअल जेमा ए सेक्सुअल वेरी गुड अगला बेटा आपको बताना है कि स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म सिलेजिनेला इक्विसिटम यह बात गलत है कि सही है स्ट्रोबिलाई आर कौन इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म सिलेजिनेला इक्विसिटम यह बात सही है गलत है ये बात बच्चा लोग सही है कि गलत है बता दीजिए ट्रू ठीक है फील द जॉय ऑफ ट्रू ठीक है भाई ठीक है आज का अगला सवाल है बेटा सिरेजनेला सालविनिया क्या दोनों हेट्रोस्पोरस हैं ट्रू है कसम से यस yes, ठीक है अब आपको बताना है क्या फ्यूकस में डिप्लांटिक लाइफ साइकिल होती है फ्यूकस में डिप्लांटिक लाइफ साइकिल होती है तो फ्यूकस इस तरह से बेटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के सिमिलर हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ग्रेट बहुत ही अच्छी बात है अब आपको अगला सवाल ये बताना है कि वो कौन सा एनिमल है जिसमें पैरापोडिया होता है पैरापोडिया पैरापोडिया क्या बोल रहे हो भैया अमीबा में पैरापोडिया अरे भाई मेरे आप देखो रात भर जग के जाओगे ना तो तुम्हें पैरापोडिया सीडोपोडिया पैरा पोडिया दिखाई देगा रात में अगर दो किलो खा के सोए नहीं रात भर के चले गए तो तुम्हें पैरा पोडिया दिखाएगा सीडोपोडिया दिखेगा रात में अच्छी नींद नहीं लोगे तो पैरापोडिया दिखेगा सीडोपोडिया सब बता दे रहे हैं हां तो रात में सो के जाना दो किलो नहीं खा पाएंगे सर कोशिश करो यार दो किलो का मतलब दो रोटी दो किलो का मतलब तौल के मत खाना चलो भैया चलो 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 हम्म पिंग टाडा किसका मेंबर है भैया पिंग टाडा पिंग टाडा बस खेला खत्म होने वाला पंद्रह मिनट में पिंग टाडा पिंग टाडा पिंग टाडा दो किलो का मतलब भरपूर खाके सोना भाई मोलस का ठीक है अब जरा बताइए कि मैलपीगियन कार्बसेल सार्थ्रोपोडा में क्या काम करता है मेलपीगियन कार्बसेल सार्थ्रोपोडा में क्या काम करता है मेलपीगियन कार्बसेल सार्थ्रोपोडा में क्या काम करता है अच्छा गूगली पकड़ ले ठीक है भाई ठीक है फिच मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन रायोफाइट फिच मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन रायोफाइट फिच मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन रायोफाइट अभी बताया था ये भी नहीं याद है जल्दी करो भैया बाबू लोग क्या वो तुम लोग कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे फोन में कमेंट नहीं आ रहे भाई यस 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 टापर ग्रुप आंशिका राठी और अमर चंद्रा जिन नालायकों ने लगा दिया वाटर गलत हो गया ब्रायोफाइटा में इंटरनल होता है There is internal in और हमने बोला था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसीलिए तो बेटा सिली मिस्टेक होती है जल्दी से सारी टाइप करो केवल दो मिनट का ब्रेक और दो मिनट के बाद बस जल्दी से थोड़े से क्वेश्चन और कराएंगे फिर छुट्टी अच्छा ब्रिजेश कुमार अच्छा युवराज मेंडल दादा क्लास के बाद मिलो तब बताए मार झगड़ा करो क्या यार चलो बातचीत नहीं जल्दी से आ जाओ दोस्तों को बोल दो फटाफट पंद्रह मिनट और वेलकम बैक यस हाँ तो क्वेश्चन हो गए थे रैपिड फायर ध्यान से सुन लो टेंट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्मिप्टेरा किंगडम हैंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी तो तीन किंगडम हो गए स्पेशलाइज सेल रिस्पॉन्सिबिल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन हेट्रोसिस्ट बायोलॉजिकल इनिग्मा भी बेटा इसको बोलते हैं डायटोबेसियर ड्यू टू डिविजन ऑफ चेरसोफाइट डायटम्स ज्वेल्स प्लांट किंगडम रेड टाइट गलिक्स रेड सी ट्राइकोड एसोमियम यो रेन पाइनस रेड स्नो क्लेमा एंड पैराम बॉडीज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइन बोल एग्रीगेट एंड फार्मोडियम डाई कैरियन फेज जरा ध्यान से सुनिएगा एक होता डाई कैरियन एक होता डिप्लोन कहा से लगेगा तो बेटा डाई कैरियान फेज में क्या होगा ये होगा बच्चा एन प्लस एन राइट ये डाई कैरियान है और डिप्लो फेज में बेटा ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे बच्चों टूजन तो डाई कैरियान इज एन प्लस एन एन डिप्लो फेज इज टूजन इसके बाद बेटा फंजाई एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायो जेनेटिक रिसर्च बेटा ये होगा न्यूरोस्पोरा सेक्स आर्गन बेटा ड्यूट्रोमा में एब्सेंट होंगे जरा सा एक क्वेश्चन टाइप कर दीजिए किससे होता है रेड शुगर केन रेड राट ऑफ सुगर केन बीमारी किससे होती है रेड राट ऑफ सुगर केन रेड राट ऑफ सुगर केन इज कास्ट बाई रेड राट ऑफ सुगर केन यस ट्राइकम इसीलिए गांव में जब शुगर केन की फील्ड से गुजरते हैं तो एल्कोहल की स्मेल आ जाती है क्योंकि शुगर का फर्मेंटेशन कर देता बेटा एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट

इसके बाद बेटा जेमा होगा मार्केशिया में ये होगा एसेक्सुअल स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होगा जिम्नोसपीज इक्विसिटम दूसरा नाम इसका कौन होगा टेरिडोफाइट होता है एकदम गड़बड़ मत करना बच्चा एक होता मेलपीकियन ट्रिब्यूल एक होता मेलपीगियन कार्पसेल्स जल्दबाजी मत कर देना मेलपीकियन कार्सल्स हम लोगों में मेलपीकियन ट्रिब्यूल होता है आर्थ्रोबोडा में रेडुला बेटा मोलस्का में है रेस्पिंग आर्गन है और लार्जेस्ट फाइलम आर्थोबोडा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज कहां होती है बेटा आर्थ्रोपोडा में और लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा प्रोटोजोआ में ठीक है ना ये था बेटा एक राउंड बस थोड़ा सा एक राउंड थोड़ा सा और बचा है नहीं देखो <laughs> हो रहा था क्या अच्छा लैक कर रहा तो एक बार बोल दें क्या हां रिपीट कर देते हैं लैक कर रहा हेलो तो

रेड टाइड बेटा गायनोलेक् से होता है इसमें बेटा बताया था गायनोलेक् से रेड टाइड रेड सी होता है बेटा ट्राइकोडेस्म से येलो रेन होता पाइनस से और रेड स्नो होता क्लेमाडोनास डिवेलिस से पेलकिल बेटा में पाया जाता है इसमें पैरामाइलम बॉडी और स्टार्च होता है और बेटा इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है मिक्सोट्रॉपिक बेटा सुटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट होते हैं और प्लेजमोडियम का फॉर्मेशन करते हैं डाई कैरियोफेज बेटा बेसिडियोस्टीज एसोमाइस्टीज में पाए जाते हैं बेटा जिस फंजाई को हम लोग यूज करते हैं जेनेटिक रिसर्च में उसका नाम है बेटा न्यूरोस्पोरा और वैसे बेटा क्यों गायब हो गया भाई हमारी फोटो नहीं आ रही और बेटा जिस फंजाई को हम लोग जेनेटिक रिसर्च में यूज करते हैं उसका नाम है बेटा नया और नया की बेटा क्या है न्यूरोस्पोरा ईस्ट और एस्कोबोलस और बेटा एलगिन बायोलॉजिकल रिसर्च हमें बताया था सीएवी Chlorella, Acetabularia और Chlorella, Acetabularia, तो बेटा 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 ये ये हो गया. Algae fungi biological बेटा, organ absent होते हैं. में. बेटा, हमने बताया कि होता है. Venus ये पौधे ऐसे ग्रो करते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट कैप्चर करते हैं बेटा फंगल कंपोनेंट लाइकेन का माइकोबाइंट है एग्जाम्पल बेटा कोलोनियल एलगी का है.

जिम्नोस्पर्म सिलेजिनेला में है टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरी जिनमें होती है, सिलेजिनेला है। और एलगी बेटा डिप्लांटिक लाइफ साइकिल फ्यूकस होगा में है में है हाइस्ट पावर ऑफ रिजनिया में है बायोलिश बेटा टीनोफोरा शो करेगा बेटा एसके में है पैरापोडिया बेटा नरिज में है मेलपीगियन टिब्यूल आर्थ्रोबोडा में है अब मेलपीगन कार्ब सेल्स ह्यूमन में होता है रेडुला बेटा मोलस्का में रेस्पिंग आर्गन है लार्जेस्ट फाइलम विद नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोटोजोआ होगा लार्जेस्ट फाइलम विद नंबर ऑफ स्पीसीज ये बेटा आर्थ्रोपोडा होगा और टेन इस टू सेवन वाली बात आप लोगों ने सुनी होगी ठीक है तो बच्चा लोग आज की क्लास कैसी लगी जरूर बता दीजिएगा हम अब अपने हर रैपिड फायर में मेनली बेटा लेंगे मेनली लेंगे बेटा आ, एक टॉपिक एक यूनिट तो अगली बेटा अगले क्लास अगली क्लास की हमारी यूनिट होगी याद रखिएगा इकोलॉजी अगली यूनिट होगी इकोलॉजी और बेटा ये क्लास होगी परसों और बाकी बेटा जनरल पूरा कराएंगे जितने पॉइंट्स बेटा बोले जा रहे हैं कोई भी सवाल बेटा बाहर से नहीं आने वाला है तो आज का था हमारा बायोटेक था नेक्स्ट टाइम पे इकोलॉजी स्लाइड से कराएंगे बाकी बेटा जनरल रिवीजन होगा खूब अच्छे से पढ़ते रहिए जरा भी परेशान होने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है ठीक है ना हाँ जितनी भी पीडीएफ है उसका रिवीजन करवा देंगे बिल्कुल सही बात है है ना चलिए तो अगली क्लास में हम लोग क्या कराते हैं एक तो आपको डिजीज वाला पीडीएफ करा देते हैं डिजीज और इकोलॉजी करा देते हैं और बाकी बेटा जनरल रिविजन होगा ठीक ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे अभी हमारा क्लास लेने का मन हो रहा था क्लास छोड़ने का मन नहीं हो रहा था लेकिन आपको पढ़ना भी है तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीआर वन खूब अच्छे से देख लीजिए डायग्राम संगम सर आपको करा रहे हैं दूसरी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कल क्लास कल आपका बेटा टेस्ट जो है तीन बजे है याद रखिएगा तीसरी बेटा इंपॉर्टेंट बात है अठारह उन्नीस बीस का पेपर देखे तो पेपर धीरे धीरे सिंपल होता जा रहा है इस बार आपको दो सौ सवाल पढ़ने हैं इसलिए पेपर सिंपल ही होगा राइट और अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो सबके लिए होगा लेकिन गड़बड़ होने कोई चांसेस नहीं है ठीक है गूगल फार्म सारे बच्चे लोग भर देंगे कल का टाइम हमने चेंज किया ना मीटिंग का कितने बजे हाँ कल बेटा मीटिंग का टाइम आठ बजे है क्योंकि सुबह जो है ना आप लोगों के पेपर हैं ठीक है तो बाय बाय बच्चों ऑल दी बेस्ट कैसी लग रही क्लास बेटा कमेंट करके कमेंट जरूर बताइएगा थैंक यू सो मच एंड ऑल बेस्ट फॉर नीट 2021 आप लोग सेलेक्ट हो जाइए और मिठाई खिलाइए फटाफट बाय बाय बच्चों टेक केयर